Control. I'll call you back. Please, leave the way. Please. Within 24 hours, we'll catch the gangster. I cannot tell you anything. Good morning, sir. Good morning. किसी न्यूज चैनल से हैं क्या? Yes, PTV sir. जल्दी है, कार में इंटरव्यू दूंगा, चलेगा क्या? सिक्योरिटी चेक दें. ACP सर, थोड़ा इस तरफ आ जाइए. रोलिंग सर. सर, 24 आवर्स में किसी गैंगस्टर को पकड़ना है, वो कौन है? ऐसी बातें हमसे पहले तुम लोगों को कैसे पता चल जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता. एनीवे, कंफर्म होने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा. किट्टू भाई को क्यों टारगेट किया है सर? मैं किट्टू भाई को टारगेट किया? ए कौन हो तुम? ड्राइवर गाड़ी रोको. किट्टू भाई को टारगेट किया ना? एसीपी साहब बुरी तरह से घायल हो गए हैं. ऑफिसर्स, उसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले एसीपी श्रीनिवास मूर्ति को और अपने दुश्मन नडियाडवाला ब्रदर्स को मार करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया है किट्टू भाई ने. वेलकम डैड. बाय सर. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अपना काम करते जाओ और फल के बारे में मत सोचो. कब कब किस किस को कितना देना है ये मैं डिसाइड करूंगा. पहली बार जेल जाने पर भगवत गीता जो मुझे दी थी वो मैंने पढ़ ली है. हर काम मैं पहले घर में जीत के फिर बाहर जीतता हूँ. मैं बाहर तो जीत गया, अभी घर में कंसंट्रेट करना है, मतलब इंडिया पर. वैसे भी तो देश भक्ति है नहीं, कम से कम भगवान पर तो भक्ति होनी चाहिए. क्या बे, खत्म कर दे साले को. जस्ट फिनिश. सो गाइस, जो डरा नहीं सकता वो भाई कभी नहीं बन सकता. सो व्हाट आई एम सेइंग, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा. दिल्ली हमारी है, ये मत भूलो. तुम्हारा नेटिव प्लेस हैदराबाद है ना, तो दिल्ली में क्या काम? ओ भाई, बोल दिया साले को, मैं बाद में फोन करता हूँ. भाई बोलिए डैड, इसे मारकर अभी इसकी बॉडी दिल्ली भेज देता. नो. टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण इस गन का इस्तेमाल करके कुछ सेकंड में मार सकते. इस वजह से ना मौत का डर है और ना ही जिंदगी से प्यार. क्या पी रखी है, ज्यादा बोल रहे हो? इस धंधे में जहाँ जो पैदा होता है वो नेटिव प्लेस नहीं होता, जहाँ पर कर्म करते हैं वो नेटिव प्लेस होता है. मेरे लिए तो बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सारे मेरे नेटिव प्लेस ही हैं. और किसी को मेरे नेटिव प्लेस में डाउट हो तो बताओ, क्लियर कर दूंगा. बाकी सब लोग जाकर अपने अपने काम देख सकते हैं. गेट आउट. ए, इसके टुकड़े काटकर मछली उड़ा दो. Hey, किट्टू, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए घर तक, वरना क्या होगा वो तुमने पढ़ ही लिया होगा. किट्टू,
अगर और कुछ ज्यादा जानना है तो हमारे एसीपी श्रीनिवास से पूछ ले। किट्टू, तुम और तुम्हारे आदमी 24 आवर्स के अंदर मेरे पास आकर सरेंडर करो, वरना तुम्हारा बेटा गया। डैड, उसने हमें 24 घंटे का समय दिया है, दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, मैं सब हैंडल कर लूंगा। वो सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। सो यहां जितने भी ऑफिसर्स मौजूद हैं वो सिर्फ किट्टू को पकड़ने के लिए इकट्ठे किए गए हैं। मिस्टर मान सिंह, यस सर, आप बिहार देखेंगे। जी सर। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन की टीम, यस सर, आप यूपी देखेंगे। कृष्णकांत एंड कंपनी, यस सर, आसाम। दिल्ली मैं देखता हूँ, राम गुप्ता की टीम मुझे असिस्ट करेगी। यस सर। सो ऑफिसर्स, एक्सेप्ट दिल्ली टीम, एवरीबॉडी कैन लीव नाउ, बट रिमेम्बर वन थिंग, हमें किट्टू भाई को जिंदा पकड़ना होगा। उसके पास कई लोगों के कच्चे चिट्ठे हैं, सो उसको जिंदा ही पकड़ना होगा। ऑल द बेस्ट बॉयज। थैंक यू सर। न्यूज मिली है कि चांदनी चौके केशु नाम के आदमी का किट्टू के साथ गहरा संबंध है। पता करना है कि सच में संबंध है या उसका नाम लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स, डीलर्स और बिल्डर्स को धमकी दे रहा है। कल वो एक सेटलमेंट करने वाला है। तुम लोग अंडर कवर ऑपरेशन संभालो। मिस्टर गुप्ता, सर, यू लीड द टीम। ये ऋषि कहाँ है? तुम अपनी टीम में ऋषि को भी ले लो। वैसे ये ऋषि है कहाँ? स्टार्ट बॉइलिंग। नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। जब वो बच्चा था तब से उसे जानता हूँ। उसके गट्स, उसकी स्पीड कमाल है। हम लोग उसे ट्रेनिंग में मिसाइल पुकार देते हैं। What's wrong with you, Mr. Gupta? आप और आपकी सोच। What do you mean? नहीं तो क्या सर, वो सिर्फ नाम के लिए ऑफिसर है, बाकी तो टपोरी ही है ना, 24 घंटे लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। आपने कौन सा इंट्रोडक्शन सोचा मुझे पता नहीं, पर वो कहाँ होगा मुझे पता है। कहाँ होगा? हमारी टीम में सीनियर कौन है? आप ही तो हो सर। फिर बॉस हमेशा उसकी बातों पर क्यों विश्वास करते हैं? सीनियरिटी अलग होती है और सिंसियरिटी अलग होती है। मतलब? देखो ऋषि आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बेबी, ओके बेबी बेबी। छी 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 छी, कितना ड्रामेबाज है, लड़की देखते ही असलियत पे उतार। कम से कम मुझसे तो सब चश्मा क्यों पहना है? डोमिनेट करना चाहता है क्या? सीनियर से इस तरह बात की जाती है? आते ही गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज द वर्क पूछने नहीं होता क्या? कौन सी सीनियरिटी? तुम लोगों को पता है ये सीनियर कैसे बना? फ्लैशबैक में बजाओ, मुद्दे की बात करो। ठीक है बोलो। कल चांदनी चौक में एक डील होने वाली ऐसी खबर मिली है। केशु भाई जल्दी ही एक गैंगस्टर को टपकाने वाला है। तू पानीपुरी वाला बनकर खड़े रहना, मैं रेवॉन ग्लास पहनकर एज ए कस्टमर तुम्हारे पास आऊंगा। अरे गुप्ता, हम दोनों साथ में खड़े रहते हैं, कौन पानीपुरी वाला लगता है और किस पर रेवॉन ग्लासेस सूट करता है इन लोगों से पूछ लो। इस मिशन में एज ए सीनियर मैं लीड कर रहा हूँ, कल तू पानीपुरी गाड़ी लेकर आएगा, समझा ना? समझ गया ना? कैसा लग रहा है? अरे आप, ये गेटअप कैसा है, पहचान में नहीं आ रहा है? जब पूरा सेटअप ही मेरा है तो गेटअप का क्या, वैसे भी सीनियर हूँ ना तो ये तो करना पड़ता है। बच्ची चाहिए तो पैसा लेके आओ। किट्टू भाई का ऑर्डर है। देखा, अभी वो टाइम पर नहीं आया। इसका टाइम अच्छा होता है, वो किसी भी टाइम पर आए तो अच्छा ही होता है। देखो यहाँ पर भी लड़की लेकर आ रहा है। देखो सर, ये है टाइमिंग। क्या है उसकी टाइमिंग? इस बार जब गन पकड़ूंगा ना तब देखना मेरी। गन होने से कोई फायदा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में गट्स भी होने चाहिए। ये पानीपुरी का गेटअप तेरे पे अच्छा लग रहा है, ठीक से बेचेगा तो दिन का 1000 रुपया कमा लेगा। बोले तो मैं सर से बात करता हूँ, तू इधर फिक्स हो जाएगा। इस एरिया में कब क्या होगा पता नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना। स्ट्रांग इमोशन के बगैर फाइट करना तो मुश्किल है, अलर्ट रहना नामुमकिन है। इतना इमोशन तो काफी है मेरे लिए। Oh!
मार दिया सर, कितना समझाया पर सुना नहीं, हमेशा ड्यूटी कब खत्म होगी यही सोचता है। तुझे चेकिंग करनी चाहिए थी ना, yes, तो मसाज क्यों कर रहा था? ऋषि का जितना ध्यान ब्यूटी पर होता है उतना ध्यान ड्यूटी पर नहीं होता सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गॉर्जियस इन पिंक ड्रेस। थैंक यू। हाय 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 हाय, इतनी खूबसूरत क्यों है? खूबसूरत क्या ये मेरे लिए? यार ऋषि, इसे भी नहीं छोड़ा, ज्वाइन किए हुए एक वीक भी नहीं हुआ और तू। ऋषि सर, चीफ इज कॉलिंग यू। डॉल कॉल मी ऋषि। ये सर सर क्या लगा रखा है? मेहनत हम करते हैं सर, प्रमोशन उसे मिलता है। मेहनत करने से प्रमोशन नहीं मिलता, प्लानिंग से मिलता है। मालूम है, मालूम है। अरे मालूम होता तो ऐसा थोड़ी कहता। ऋषि, आजकल क्रिमिनल्स को छोड़ करके लड़कियों के पीछे पड़े हो, क्या ये सच है? क्यों बे, सब कुछ उगल दिया, तेरे पेट में कुछ नहीं बचता क्या? सब कुछ बाहर आ जाता। ऋषि स्टॉप नॉनसेंस, सीनियर्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं सर, उस दिन आपको टपकाने की बात कर रहा था ये। गुप्ता जाने दे, जाने दे गुप्ता। गुप्ता तुम जरा बाहर जाओ। सर मैं इससे सीनियर हूँ और इसे छोड़कर आप मुझे सीनियर हो, इसलिए तुम्हें पहले जाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बाद में आएगा। तो ठीक है सर। एक अनाथ है तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके पुलिस ऑफिसर बनाया, तो मुझे टपकाने की बात करते हो? टपकाऊ नहीं तो और क्या करूं? शादीशुदा और नामचीन ऑफिसर्स को वुमेन्स कॉलेज के बाहर रखते हो और मेरे जैसे जवान और ब्रह्मचारी ऑफिसर को चेजिंग, एनकाउंटर्स और फाइट्स? क्या बाप रे बुलेट लग गई तो, अगर मैं मर गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? हां हु इज रिस्पॉन्सिबल? अभी मेरी उम्र क्या है? तुझे अब तेरी उम्र याद आई? उम्र याद आई आपकी दया से तो ऑलरेडी। वैसे आपने किया क्या है मेरे लिए? मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? मेरी उम्र में सारे लड़के बाइक पर बैठ के जूर जूर करके जाते थे और आपने मेरे हाथ से क्या थमा लिया? ए, क्या कर रहा है? ठीक से कर, वरना तेरी खैर नहीं। जब मेरी उम्र के लड़के मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी मूवी देख रहे थे, तो आपने मुझे कौन सी मूवी दिखाई? इन सबको कष्ट मत समझो, स्वीट मेमोरीज है। हाँ है ना, ये ऑटोग्राफ मेरा है, बाकी सब स्वीट मेमोरीज आपकी है। मेरी पूरी टीनेज लाइफ आपकी कैरेज बम उठाने में चली गई। तुम जैसे बेकार लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंड क्यों? जस्ट गेट आउट, गेट आउट। हेड्स ऑफ सर, लेट ही सही पर आपने एक बहुत ही करेक्ट डिसीजन लिया है। हेलो सर। कैसे हो कुमार? ठीक हूँ सर। तुम्हें मेरा एक फेवर करना है। बताइए ना सर, मैं जो कुछ भी आज हूँ आप ही की कृपा से हूँ, बताइए क्या करना है। हमारा ऋषि, एक बात और कुमार, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है सर, ट्रस्ट मी। क्या है, फिर से लेट हो गया? स्टार लोग हमेशा लेट ही आते हैं, समझ गए ना? आ गया वही गनीमत है। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? पुलिस लाइफ के बदले कलरफुल लाइफ चाहता है, यही ना? ओ, मुझे कलरफुल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइफ में थोड़ा सा कलर चाहिए। अगर इस जॉब में तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वही कर जिसमें इंटरेस्ट है। एक काम करोगे? बताइए क्या करना है। कॉलेज में लेक्चरर बनोगे? कॉलेज में? सुपर्ब। वुमेन्स कॉलेज है क्या? नहीं, को एडुकेशन। हाँ चलेगा, चेकआउट ओपन है। आधी हकीकत आधा फसाना। अभी से खुश मत हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं करूंगा। तो वहाँ भी ऑन ड्यूटी रहोगे? ऑन ड्यूटी जाना है, लगा दिया ना फिटिंग। वैसे वहाँ किस लिए जाना है? वहाँ पहले अच्छा लेक्चरर बनके दिखाना है, उन सबका भरोसा जीतना है, उसके बाद हमारा मिशन शुरू होगा। वहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जाओ जाकर तैयारी करो, जितना टाइम लेना है ले लीजिए, परेशान मत होइए, ड्यूटी तो हमेशा ही करनी है। लेकिन इस बीच मैं और मेरा कॉलेज, फीलिंग्स होंगी, इमोशन, रोमांस, अभी तो मेरा टाइम है, मेरी एज है। मुझे सस्पेंड नहीं करके आपने अपनी जान बचा ली सर। जान बचा ली मतलब?
अगर आप मुझे सस्पेंड कर देते तो मैं आपको टपका डालता। हैदराबाद में मेरा एक दोस्त कुमार है। नीलिमा बाई लड़की लड़की लगा मैं ट्रेन मिस कर लूंगी। पर मैं मिस नहीं होने देता ना। क्या मतलब आपकी गाड़ी नहीं छूटने देता। थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर, प्लीज। लगता है शादी हुई नहीं है। ऊपर बैठे तो बातें कर सकते हैं। सुन रहे, बचपन में मैं रनिंग में फंस आया था, इसलिए ट्रेन को पकड़ पाया। हाथ देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया? हाथ हाथ नहीं दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? मुझे हाथ नहीं दिया और इस लड़की को क्यों दिया? लड़की है ना, इसलिए दिया। हाँ। बस करो केशव, किसी तरह आ गए ना। वैसे भी हमें वायलेंस के अलावा और कुछ भी सूट नहीं करता। दरअसल तुम्हें ही ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया था, इसी कच्चे ही समझा है या कैमरे? अगली बार तुम्हारा टिकट कट। ओके दैट्स ओके, मैं अभी ट्रेन में हूँ। अरे बाप रे, सामान रखा है। ये ऐसे क्यों देख रहा है? तुमसे बात कर लूं? लगता है ये आंखों से ही घायल कर दिया। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं आज स्टेशन पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी, मुझे लगा ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरी एक मिनट था, आपका नाम क्या है? ऋषि। ऋषि? हाँ, ऋषि नाम के एक आदमी ने ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझे अंदर खींच लिया। तुम्हें भी उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ, उनसे बात करोगे? मही, इनसे बात कीजिए ना। हाँ, बात करता हूँ ना। मही मतलब महेश्वरी है क्या? आपकी फ्रेंड है? नहीं, महेश मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो, मेरी फैंसी को हेल्प करने के लिए मैंने मैंने थैंक्स। हाँ, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेलकम कह दिया ना, आप कितनी बार कहो? आप ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? अरे जर्नी में हूँ ना मैं, 100 लोगों के बीच में फंसा हूँ, फोन रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताना चाहिए था ना। अरे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना। म्यूजिकल, इट्स कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक, वी आर ऑल क्लासिकल सिंगर्स, यू नो। हैदराबाद आने तक मुंह भी खोला ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आवाज नहीं निकलेगी कहीं से भी। तू खी खी करके हंस कर रही है, अपने दांत निकाल के चल ऊपर जाके सो जा। अरे बाप रे बाप, आप ही ऊपर जाके सो जाइए ना, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। चार बार ऊपर नीचे करोगे तो फिट हो जाओगे, चल ऊपर। घर तो बहुत अच्छे से सजाया है, कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो ना? जी जी, बैंक से लोन लेकर घर बनाया है, इंस्टॉलमेंट भरते भरते हालत खराब हो गई। ज्यादा खर्च करोगे तो तकलीफ तो होगी ना, बैंक का रूल है। भैया काफी स्पीड में हो। उसी स्पीड की वजह से आज यहाँ हूँ दीदी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच तैयार करती हूँ। ऋषि, ये तुम्हारे रहने के लिए घर है, अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, ये सब तो मेरे लिए बोनस है। ऋषि, वैसे कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड है, किस में ज्यादा ग्रिप है? क्या बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे ग्रिप है। मेरी मार्कशीट के बारे में पता नहीं है, बहुत मेहनत करके जस्ट पास हुआ हूँ। तुम ही किसी तरह सेट कर दो। तुम कहो तो इंग्लिश बोल के दिखाऊं, पोएम, पोएट्री, रोमांस। अरे बस कर, तेरे मुंह से पोएट्री पोएम एक जैसी लगती है। अच्छा ये सब छोड़, हिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट खाली है, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? मौर्य साम्राज्य, गुप्ता काल, मुगल सल्तनत की सत्ता, सब जानता हूँ मैं, ये सब नॉर्थ में मिलेंगे। हे भगवान, ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। भगवान से याद आया, यहाँ पास में कोई कलरफुल टेम्पल है क्या? कलरफुल टेम्पल मतलब? मतलब जहाँ कलरफुल टेम्पल हो वहाँ लड़कियाँ ज्यादा आती है। इस मंदिर के अंदर तो दियो से ज्यादा लड़कियाँ हैं। गॉड यू आर फैंटास्टिक, आई एम रोमांटिक। Oh,
इतनी देर ऐसे रहोगे यहाँ? तो इसके गिरने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? एक बार फिर आकर गिरो ना। अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा। पिताजी कैसे हैं विनीता बेटी? वो अच्छे हैं जी। विनीता जरा ये दीपक ले जाकर नंदीश्वर के पास रख दो बेटी। हेलो, भगवान उधर है। अच्छा, लेकिन देवी तो उधर है। बाजट सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना, आपका नाम क्या है? राधा, फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी। आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूँ, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा। हाँ, देखा था, लव एट फर्स्ट साइड। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो भी मैं फोन नहीं करूंगी। अरे आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो, 888-555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला, 666-666। लव एट फर्स्ट साइड पे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे दोबारा मत दिखना। अगर दूसरी बार दिखाई दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये कैसी ड्रेस है? टक करने के लिए। कैसा टक? लुक के लिए। अली, ओ अली। शेक्सपियर, यू आर शेकिंग मैन। ए अली, काम मर गया रे। शिट 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 शिट, प्रिंसिपल इज शाउटिंग। आई विल मीट यू लेटर। मिस्टर प्रिंसिपल, यू डोंट टेक रेस्पेक्ट, आई डोंट माइंड, बट गिव रेस्पेक्ट। ए अली, अरे अली, व्हाट इज दिस? अरे इज दैट माय सरनेम? ये नया ज्वाइन हुआ है, हिस्ट्री लेक्चरर, इनका टाइम टेबल दे दो। हेलो हेलो, डिड यू चेक योर ड्रॉअर? नॉट दिस ड्रॉअर, आई मीन योर टेबल, टेबल ड्रॉअर। सीट देयर, इज देयर? यू डोंट लुक योर सराउंडिंग, यू डोंट लुक योर टेबल, यू शाउटेड मी लाइक अ पैरट। ये साहब तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, ये है कौन? इसका नाम अली है, कॉलेज का अटेंडर। ए, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, आई विल पैच यू नो, आई विल पैच यू नो, आई विल पैच यू नो, आई विल पैच यू। नाइस टू मीट यू अल पाचिनो। You want to go glass room or staff room? Staff room. Staff room. Follow me, please. He is a very nasty man. कल रात को फोन करने के लिए कहा था, अगर कर लेती तो मजा आ जाता। जी? What about you, ma'am? तुम तो फोन कर लेती। Excuse me, ladies and gentlemen. ये है मिस्टर ऋषि, हमारे हिस्ट्री के नए लेक्चरर। नए बोल रहे हो? फ्रेश है क्या? फ्रेश मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश हूँ, अभी रिबिन भी नहीं कटी है। hey, इतना नया? Are you sure? कसम से। अब्बा, मार डाला आपने। आई एम रमैया मैडम, बॉटनी। सुनने में लगता है मैटनी, लेकिन ये बोल रही है बॉटनी। हेलो मैडम, यू आर ब्यूटीफुल। अब्बा, थैंक यू। ठीक है, मैं क्लास में जाता हूँ। व्हाट ब्रो, व्हाट क्लासरूम यू आर टॉकिंग अबाउट? ये है सुब्रमण्यम जी, साहित्य लेक्चरर। नमस्ते जी। छोड़ो ब्रो, थिंग्स डोंट हैपन लाइक यू थिंक ब्रो। किसी एक लैंग्वेज में बात कीजिए ना सुब्रमण्यम जी, कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज। ये मातृभाषा तो कोई पढ़ता नहीं है, तेरी हिस्ट्री कौन सुनेगा? साहित्य में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में जरूर इंटरेस्ट आएगा। मेरे शिष्यगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उधर नहीं, इधर। तथास्तु। अब्बा, कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी हिस्ट्री। तुम्हारा असली नाम अली है या अल पचिनो? मेरा असली नाम तो अली है। मेरे पिताजी बाईपास के सर्कल के पास पंचर लगाया करते थे। हाँ। और वही काम वो मुझे भी करने के लिए कहा करते थे, और मैं पंचर का काम छोड़ के बन गया अल पचिनो। तुम इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोलते हो? डिग्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश, क्लास फर्स्ट। डिग्री सेकंड ईयर
कॉलेज फर्स्ट, डिग्री फाइनल ईयर, कैंपस में फर्स्ट आए होंगे। यू आर नॉट ई बॉय, आई लाइक यू। फिर इधर घंटा क्यों बता रहे हो? सिर्फ इंग्लिश में ही फर्स्ट हूँ, बाकी सब में लास्ट। ओह, डोंट फील बैड, इट्स हैपेंड, कम। ओह शिट 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 शिट, क्या हुआ? नेस्टी फेलोस कमिंग। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर वो है? नाम डोल नागेश्वर, ड्रिल मास्टर। उसका काम क्या है? स्टूडेंट्स को खिलाना। सबके साथ खेलता हूँ। इसके बारे में एक शब्द में बोला जाए तो मेडिटेशन करने वालों को भी इरिटेशन दे देता है ये आदमी। तुम्हारे लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, किस लिए आए हो? इकोनॉमिक्स लेक्चरर की बेटी से मेरे भाई के बेटे के साथ शादी करवाना चाहते, इसी सिलसिले में आए हैं। जल्दी से रिश्ता तय कर लो, लड़की बहुत दूर जा रही है। अमेरिका जा रही है? अमेरिका नहीं, आमलापुर अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। उस लड़की को रोक नहीं पा रहे बाबा। वैसे ये सब तुम्हें क्यों? वैसे तुम्हारे भाई का बेटा काम क्या करता है? वो भी आपकी तरह एक ड्रिल मास्टर है। देखिए मिस्टर, कोई भी ड्रिल मास्टर नई बॉल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहेगा, ना कि किक मारू ही बॉल के साथ। थैंक यू, जल्दी कैच कर लिया। डाउट किस लिए साले साहब? हिस्ट्री लेक्चरर पोस्ट कंफर्म है। बहुत शार्प है ये, कौन है? ये हमारे कॉलेज के नए हिस्ट्री लेक्चरर। हिस्ट्री लेक्चरर? हाँ। कैसी बात करते हो तुम, मुझे सिखाओगे? तुम प्रिंसिपल के साथ चाहे जैसी बात करो। चलो अभी सेटल करते हैं। आगे इनसे बात कीजिए, मुझे जाने दीजिए। देख लिया ना, ये है मेरा पंच पावर, लोग मेरी आवाज से इधर जाते हैं। नागेश्वर राव जी, मुझे भी पंच मारना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मुझे पंच मारने की कोशिश करे तो फोड़ देता हूँ। तुम्हारी तो सिर्फ जबान टेढ़ी है, पर मेरी तो नस नस टेढ़ी है, समझे? ये पंच पंच के चक्कर में थोबड़ा फूट जाएगा। ये पीठ और ये चाल कहीं देखी हुई लगती है। विनीता, ओ विनीता, ये कहां से आ गया? अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा विनी। हमारे अरेंजमेंट को देखकर खुश हो जाएगा भाई। क्या तैयारी है बेटू? यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है भाई, क्या प्रॉब्लम है? ए, आज भाई का हैप्पी बर्थडे है, आएंगे, केक काटेंगे, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जाओगे। बेटू कोई आ रहा है? घर में करने वाला फंक्शन रोड पर क्यों कर रहे हो? हाँ गलत है ना, चलो निकालो 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 निकालो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो भाई के केक काटने से पहले मैं तेरा गला काट दूंगा। ये सब पर तुम लोग ध्यान मत दो, अभी इसने मेरा हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर बाद मेरा पैर पकड़ा। अरे मजाक कर रहा क्या? हाथ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, छोड़ो छोड़ो टूट जाएगा, कुछ नहीं साइड में जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब तेरा भागने का इरादा आ गया? कॉलेज जा रहा था इसलिए खरीदा है, पकड़ो, पहनना नहीं। ओके मैं आ रहा हूँ। Hold on, let's go. रुक रुक, निकलो। रोड पर बर्थडे मनाएगा?
घर पे बर्थडे मनाने का, रोड पे नहीं, समझा? भाई को बोल दे आपने, चल। हाय गाइस, हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ, ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना हो। अगर ऐसा है, क्या है, मैं बोल सकता हूँ? फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना, बोल बोल ना सर। वो देखो, मैं कह रहा हूँ ना, बोल बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल, बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना। बस कर डरपोक। पॉइंट पर आता हूँ, रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग सा एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक। अगर कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है, शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन ए स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। आई रीड, ठाकुर इज मैच्योर राइटर। एग्जैक्टली, कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना। अब्बा, क्या बोला है, कितनी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज का हिला रहा है। हिला रहा हूँ, ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बापरी, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं कदे। ऋषि, तुमने शंकर अन्ना से पंगा लिया है क्या? पंगा तो लिया है, लेकिन डिटेल्स पता नहीं, कौन है कौन है? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन है, तुम्हें बुला रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो, और अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना के साथ ठीक से रहना होगा। मिशन का नाम लेकर मेरे हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हो? तो मिशन क्या है पता चलने के बाद एक एक को देख लूंगा मैं। रुक, तू कष्ट क्यों कर रहा है, इसे तो मरना ही है, चल बे चल। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस का है? जिसके पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तूने कोई मर्डर कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से अगर भाग गया तो? हाँ तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे बेवकूफ के चाचा, तू कभी स्कूल नहीं गया क्या? पता मालूम नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? आखिर मैं करूँ क्या? सर है अन्ना, शंकर अन्ना। तू उस कॉलेज का लेक्चरर है तो मैं उस कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर मेरा है। आंखें नीची कर, तू मेरे आदमियों को मारेगा? छोटे बड़े का फर्क पता नहीं है क्या तुझे? नहीं पता। नहीं पता सर। चेयरमैन कौन है ये जाने बगैर तूने कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लिया? मैं पता नहीं था सर, शंकर सर कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर सर आप ही है ये नहीं पता था। क्या रे, बताया नहीं तूने? हमारे अन्ना आप है ये बताया था। तो फिर सर, अन्ना मतलब सर्वनाम, शंकर अन्ना मतलब नामवाचक, यानी प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरता हूँ, कितने लोगों के नाम याद रखूंगा? तुम लोग मिस्टेक तो करते ही हो, कम से कम ग्रामर मिस्टेक तो मत करो। चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं सिखा देता हूँ। अनपढ़ है सब बेवकूफ कहीं के। अभी निकलू, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है सर, स्टूडेंट्स राह देख रहे होंगे। निकलू सर, चलता हूँ सर। अन्ना अन्ना बोल के शंकर अन्ना का नाम खराब कर दिया, इसको कैसे छोड़ दिया अन्ना? अरे चुप, जब देखो तब अन्ना 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 कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। सुना तुम लोगों ने, कितने प्यार से उसने सर कहा, तुमने सुना कि नहीं? मुझे नहीं पता सर, सच में नहीं पता सर, सच में नहीं पता। चलता हूँ सर। मेरी माँ, उसका सपना था कोई मुझे सर कहे, ऐसा वो सुनना चाहती थी, लेकिन बैड लक, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ तुमने सुना ना, उसने मुझे प्यार से सर कहकर पुकारा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। घर के खाने का कोई जवाब? हाँ, जल्दी से शादी कर लो, रोज घर का खाना मिलेगा। एक सीक्रेट बात बताऊं, मैं आजकल इसी काम में लगा हूं। मालूम है कौन से काम में लगा रहता है, लेकिन काम पूरा भी तो होना चाहिए। लड़की थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मैटर सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कल परसों में हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने लड़की देख रखी है? रोज ही तो देखते रहता हूँ, हमारे कॉलेज में है, नाम है विनीता। वो लड़की क्यों, रिश्तेदार? नहीं, वो तो बहुत संस्कारी लड़की है और बहुत प्यारी भी है। वो विश्वनाथ शास्त्री जी की बेटी है। इतना ही नहीं, वो तो मेरी होने वाली पत्नी भी है। संगीत और पढ़ाई के अलावा उसे किसी से मतलब नहीं है, मगर मेरे लिए तो वही मेरी दुनिया है। वो तेरी स्टूडेंट है, शर्म कर। हेलो,
मैं जिससे प्यार करता हूँ इत्तेफाक से वो मेरी स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट से प्यार नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं कहाँ लेक्चरर हूँ, वो तो बॉस ने मुझे काम दिया इसलिए मैं इधर आया हूँ। इसमें गलत क्या है, इन्होंने भी तो मुझे कॉलेज में पसंद किया था। मेरा फुल सपोर्ट है, कर लो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ए आवाज बंद करो, गुरुजी के आने का समय हो गया। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा। केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। ठीक है गुरुजी। अरे केशव, क्या आदि तारम भैरवी रागम, हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया, आपने मेरा गाना सुन लिया। कौन हो बेटा तुम, बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ, बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गा। मेरा नाम ऋषिकेश, हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा हिस्ट्री, और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था, कितना सुनाया था इसने मुझे, पता है। आदि केशव कुछ बोलो ना, ये वही है ना। देखिए शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी श्री श्री संग मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी, और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यही कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है मामा जी। मामा जी आप मुझे मिल गए। क्या ये क्या क्या कह रहे हो केशव, तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं, वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ, वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया, तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव, नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना, ये गाना गाता है सुनिए। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं। हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन वाला। रुको रुको तेरा रगड़ा दिलों में खल भरे। अरे रुको 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 तेरा जलवा सारी। रुको रुको नहीं नहीं नहीं। हां से सॉरी सॉरी सर। ले जाए दुपट्टा। ये नई आइटम कौन है यार। हेलो 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 हेलो, रुको रुको रुको। बालिक सीनियर्स को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्ट कहाँ है, सर नहीं बोलोगी? ओए हाथ उठा। तुम पर बाद में डालता हूँ, साइड में रहो। कहाँ है सर, सर कहाँ है, कहाँ है सर? सर यहाँ है। नया हिस्ट्री लेक्चरर आया है। क्या है रे, रैगिंग है? हाँ अब तक तो स्टूडेंट से, पर अब लेक्चरर से। गुड मॉर्निंग बोल, बोल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल ले, बोल गुड मॉर्निंग। रिचार्ड 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 रिचार्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोबारा कभी रैगिंग करने की सोचना नहीं, और सोचा तो तू यहाँ नहीं रहेगा। अगर किसी ने इसे सपोर्ट करने की कोशिश की तो 101, 102, 108 के तहत जेल भेज दूंगा, समझा? गुड मॉर्निंग। रैगिंग करेगा तू, चलो अपनी क्लास में जाओ। मूव। कब है खेल चल रहा है क्या? चलो क्लास के अंदर। सर जी आपको तो इतने सारे सेक्शंस के बारे में कैसे पता है? लॉ लॉ, 3 साल लॉ पढ़ा था ना मैंने। अब क्लास में जा। मेरे भाइयों और प्यारी लड़कियों, ये कम नहीं है, हिंदी फिल्म में इतिहास की गवाह हैं। अरे नहीं नहीं सर, गवाह तो खुदा गवाह है ना। अरे बेवकूफ, अगर हिस्ट्री समझनी है तो हिंदी फिल्मों की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री फिल्मी है। हिस्ट्री और फिल्म में बात बनी नहीं। सर आप सुपर है। बैठिए बैठिए, ऑफिस तक चक्कर लगा, कान के नीचे लगाऊंगा तो यही चक्कर आ जाएगा। बैठ जाओ,
मैंने हिस्ट्री पर बहुत रिसर्च की हुई है, हिस्टोरिकल फिल्में देख लो, ऑटोमेटिकली हिस्ट्री जान जाओ। आप समझ रही है ना विनीता जी? विनीता जी नहीं, विनीता पी, पंडित राजूला विनीता, मेरा पूरा नाम। अच्छा, तो अब हम हिस्ट्री के अंदर झांकेंगे। पहली फिल्म है मैंने प्यार किया। अब कोई दूसरी फिल्म बताओ। अमर अकबर एंथनी, ये कोई पूछने की बात है? तुझसे किसने पूछा, तू चुप बैठना कैसे? इसका मतलब प्यार किया तो डरना क्या? क्या है ये, हिस्ट्री लेक्चरर हर रोज तुम पर ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्टोरी क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वो काफी स्मार्ट है, अगर तुझे पसंद भी आ गए हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। पता नहीं, मैंने कभी इतने ध्यान से उन्हें देखा नहीं। सही जगह पर मिले भाई, अब बोलो क्या करना है। अरे कुछ भी कर लो भाई, प्रोसीड, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इनको सबक सिखाना है, इनकी वजह से ही तुम पिटे थे ना। ऋषि जी जब नंबर दे रहे थे तब सेव करना चाहिए था, ऐसे वक्त पर काम आता। 888-555-6666। हाँ हाँ याद है, तो लिखने की क्या जरूरत है? ओ सुपर है तू। किसको फोन लगा रहे तू? कौन है वो? हीरो है, सुरमा है, तोप है, तोपची है, आ? है कौन वो? ये सारी खूबियाँ उस एक में है, आएगा तो देख लेना। इमोशन और जुनून के बिना फाइट नहीं करता मैं, लेकिन इन्होंने कॉल किया तो इनके एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं फाइट करूंगा। मिनिमम सिक्योरिटी नहीं दिया, ऐसा तुम लोग सोचोगे, फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग फाइट कर लेंगे, और वो भी हम लोग बहुत मजे के साथ करेंगे। इसको मारेगा बे, शंकर अन्ना के आदमी हम लोग, शंकर अन्ना के। चल मार, मार दे। से बाहर निकली थी, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया, मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा। आप मेरे घर खाना खाने आ जाइए, हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी। I love you,
तुम्हारे लिए ये रिस्क क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले किसी लड़की को देखकर दिल में अजीब से ख्याल आते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुमको देखा तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई। और देख लिया मैंने तुमको, तुम्हारा जो भी फैसला होगा अभी बताने की जरूरत नहीं, टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक बता देना। लेकिन लाइफ के इस मोड़ पर, अरे रे 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 रे, लाइफ के इस मोड़ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता देना प्लीज। अगर तुम ओपनली बताना नहीं चाहती हो तो उसके लिए भी आइडिया है मेरे पास, तुम सिर्फ ग्रीन ड्रेस पहन के आ जाना, उसे मैं अपने प्यार का ग्रीन सिग्नल समझ लूंगा। टेक योर ओन टाइम, पर कल सुबह तक बता देना प्लीज। अबे तू क्या बोल रहा था बे? सच बोल, तूने बताया था ना? बताया था भाई। क्या बताया था? एक्शन फिल्म के हीरो की तरह हम लोग को धो रहा था, बात भी कर रहा था भाई। अरे बेवकूफ, हमारे अन्ना भी किसी भी विलेन से कम नहीं है, बताया क्यों नहीं तूने उसे? कैसे बताता, उसने बोलने का मौका नहीं दिया, एक बार जो शुरू हो गया तो वो हीरो एकदम पावरफुल फाइटर की तरह मार रहा, हम लोग की हालत खराब हो गई। एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है, तुम लोग धंधा छोड़कर पिक्चर देखने में लग गए हो, तुम्हें पिक्चर की आदत लग गई है, जाओ उस हीरो को बुलाओ, आज उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया। अच्छा तो तू ही है, आजा। हाँ बोलो अन्ना, इसको इधर ही कार्ड डालते हैं। अरे चुप, क्या रे, पिछली बार तो कहा था मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने मेरा नाम बताया था ना, फिर क्यों मारा तूने इन लोगों को? मगर मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब? मुझे यकीन नहीं हुआ। तुझे यकीन क्यों नहीं होता है रे? सर इसने कहा था इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने वाले आपके आदमी होंगे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परसों मैं प्रशांत थिएटर से बंजागुटा जाने के लिए ऑटो पकड़ रहा था, 300 रुपए मांगा मुझसे, मैंने बोला कैसे बोलते शंकर राणा का आदमी हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ऑटो वाला, दूध वाला, पेपर वाला, सब लोग आपका नाम यूज करेंगे, आपके नीचे काम करने वाले सब आपका नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबको हटाकर नया स्टाफ रख लो, उन सबको आपका फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड देकर कॉर्पोरेट लेवल पर धंधा करो, सारे बेकार हो गए सर, सिर्फ पेट बड़ा कर रखा है बस। अच्छा तो मैं अब जाऊँ, चलता हूँ। क्यों, क्लास का टाइम हो गया क्या? ये एक ही इंटेलिजेंट है, इसको मत निकालिएगा। He's a cute boy. अरे बाप रे, ग्रीन सिग्नल, क्या बात है विनी? ग्रीन ड्रेस पहनने के लिए थैंक्स। तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए हो, इसका मुझे यकीन हो गया है। अब्बा, ये तो मान गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गया था। What a feeling. अब्बा, इतने दिनों से अपनी फीलिंग को अपने मन में दबा कर रखे हुए थे, चोर कहेंगे। अरे बाप रे, ये सपना है या हकीकत? ये सपना ही है जो कभी सच नहीं होने वाला। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए प्लीज। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कमबख्त यहाँ पर क्यों आ गया? रमैया मैडम को अपनी फीलिंग्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखिए। जब हम रमैया मैडम के पति के साथ रात में क्लब जाएंगे तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे। अरे अरे रुकिए नागेश्वर जी। मैडम जी, ये सारी बातें मुंह खोलने से पहले बोलना चाहिए था ना, सैलॉन करके रखो अपने पति के लिए। हो गया ना, हो गया, जब देखो ओवर रिएक्शन देती रहती हो। अब्बा, चलो आप कहो। अब्बा, क्यों नहीं कह रहे हो, कहो ना अभी। अब्बा, सबके साथ हंसना बोलना गलत है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी नैन मटका करो। ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। सुनिए ऋषि जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुमने ग्रीन ड्रेस नहीं पहना इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती, सब वेस्ट हो गया, बाय। जरा सुनिए ऋषि जी, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे पास ग्रीन ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए ग्रीन ड्रेस खरीद सकती थी ना। तो ड्रेस खरीदने से हो जाता क्या? उतनी रात गए मैं उससे मैचिंग चुन्नी, बैंगल्स, रिंग्स कहाँ से लाती? आपको नहीं पता लेडीज प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो तो ठीक है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग मेरी मेमोरी में याद रहता ना। अब आपको ग्रीन ड्रेस चाहिए या मैं? वो बेकार ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। आई लव यू विनी। वैसे ये सच में लव ही है ना, कहीं ये इन्फैचुएशन तो नहीं है? इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन होने के लिए ही तो कॉलेज है, पर मैं टीनेज नहीं रहा विनी, मेरा सिंसियर लव है। मैं तो फिक्स हो गया हूँ, अब तुम भी फिक्स हो जाओ। मैं तो कल रात को ही फिक्स हो गई थी। क्या सच? सुनो, मैं अभी तक फिक्स नहीं हूँ,
दोनों मेरे ऑफिस में आओ। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी शादी मुझे ही करवानी है। मुझे कम से कम एक बार तुम्हारे पिता। प्रिंसिपल जी, बड़े लोगों के पास जाने से पहले मुझे विनीता से कुछ बातें क्लियर करनी होगी, प्लीज। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बातें क्लियर करते करते इसका माइंड चेंज हो जाएगा और फिर मुझे सिर्फ 5 मिनट बातें करनी है, उसके बाद इसकी किसी से भी बात करवा दो। विनी, जरा मेरे साथ चलोगी? प्लीज आओ। प्रिंसिपल साहब, हमारी शादी कैंसिल। अरे क्या बोल रहा है तू? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? उसी से पूछ लो। विनी, शर्मा क्यों रही हो? बाहर आओ। हाँ जी, हमारी शादी कैंसिल। तुम्हारे डायलॉग और एक्सप्रेशन में कोई संबंध नहीं है, ये क्या हो रहा है? विनी, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। सुनिए जी, ऑल द बेस्ट आपको भी। वाह, वो मान गई। वाओ, रोमांटिक, सुपर। और यहाँ पर लाइट ब्लू वॉलपेपर, और यहाँ पर लव सिंबल लटका दो, और यहाँ पर रेड रोजेस। पूरा रूम टोटली रोमांटिक लगना चाहिए। हाँ, पर खर्चा होगा। पूरा ले ले, लेकिन रूम होना चाहिए झकास, एकदम झकास। ये विनी, ये ऋषि। अरे ये सब डेकोरेशन किसके लिए? कौन आने वाला बताओगे भी? माय ड्रीम, माय लाइफ, माय फैंटेसी, सब आने वाली है। एक नई लाइफ मेरा दरवाजा खटखटाने वाली है, उसी के लिए ये सब तैयार। असल में कल तुम दोनों के बीच क्या बात हुई वो मुझे सच सच बताओ। मास्टर जी, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेरी तरह रोमांस जानते हैं, और दूसरे आपके जैसे जो रोमांस में अज्ञानी होते हैं। बकवास बंद कर, फाइनल मैटर बता। रुकिए, फाइनल मैटर पर आ, फाइनल मैटर पर आ, ये बोलना ही अनरोमांटिक होने का सिंबल है। अच्छा ठीक है, सुनो, कल जब आप हमारा बाहर इंतजार कर रहे थे तो अंदर मैं और विनी रोमांटिक मीटिंग कर रहे थे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें पता है? हमारी शादी हो जाएगी तो इस खुशी को महसूस करने से पहले ही सब हवा हो जाएगा, और हफ्ते भर में मैं और तुम झगड़ा करने लगेंगे। झगड़ा? लेकिन झगड़ा क्यों होगा? फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। देखा, शादी होने से पहले इतना बोल रही हो, और जब शादी हो जाएगी तब कितना बोलोगी? तो फिर हम क्या करेंगे? हमें हमारे प्यार को फील करना चाहिए विनी। प्यार किसी एड फिल्म की तरह नहीं होना चाहिए, वो तो किसी सास बहू की सीरियल की तरह होना चाहिए जो सालों साल चले। एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर पानी पीना, एक ही पिक्चर बार बार जाकर देखना, और तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के समुद्र के किनारे। हैदराबाद में तो समुद्र नहीं है। विनी, तुम्हें यहाँ लोकेशन को कैच नहीं करना है, इमोशन। रातों में फोन पर बातें, सुबह पार्क में घूमना, उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम होना, कॉलेज के ब्लैक बोर्ड से लेकर बाथरूम की दीवारों पर हमारा नाम लिखा होना, रूमर्स, अफवाहें। ओह गॉड, सोच कर ही इतना फील हो रहा है विनी। नहीं जी, मुझे तो डर लग रहा है, क्या अब ये सब होने वाला है? ये सब नहीं होगा तो भी हमारी शादी जरूर होगी, पर ये सब होगा तो और भी मजा आएगा। तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहना है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके लिए जितनी भी मुश्किलें होंगी उठा लूंगी। देखा प्यार होते ही, तुम्हारे अंदर का जो प्यार है वो कितना उमड़ के आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी शादी कैंसिल। हाँ ठीक है। बेचारी पागल लड़की, तूने जो कहा उसने मान लिया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कल से हमारे रूमर शुरू। दीवानी बन के डोलो साजना, धड़कन में हलचल पल पल हो रही, अब तक दिल कहता है दिल ना तोड़ो पास मेरे आवना। समझो दिल क्या कहे, समझो दिल क्या, उल्फत की राह में है मंजिल क्या, सांसों में गर्मियां मुश्किल में जा, रिश्ता ये प्यार का ऐसा कहां है। जवां ये जादू कैसा, पहले तो हुआ ना ऐसा, सुन तो क्या दिल चाहे ये तो न जानू, आज मैं क्या करूं। समझो दिल क्या कहे, समझो दिल क्या, उल्फत की राह में है मंजिल क्या। ये तमन्ना क्या, अब कहना सुनना क्या, सुनो जरा होश का,
कुछ काम नहीं है यहाँ। बाद में आती। अरे ये क्या, चलना। मैंने कहा ना जाओ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप तो बड़ी जल्दी आ गए आज। तुम लोग लेट हो चुके हो, जा क्लास में जाओ। अरे बाप रे, बहुत गुस्से में। यही मुझे चाहिए। मुझे देखते ही तुम अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करोगी, वो लोग हमारे बारे में कुछ बातें करेंगे कि हमारे बीच कुछ कुछ है। ये सब सोच के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सच में? गुड गुड। अच्छा आज क्लास में मैं एनी डाउट पूछूंगा तो तुम खड़ी हो जाना। मैं बोलने जाऊंगा तो कहना सॉरी सर, मेरी वजह से क्लास में डिस्टर्ब ना हो, मुझे पसंद नहीं। मैं स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करती हूँ। मैं ओके कहूंगा, फिर मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे होगी। उसके बाद बस अफवाही अफवाह, रूमर्स ही रूमर्स, गॉसिप ही गॉसिप होंगे। मजा आ रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे। जो वादा मैंने किया उसे मुझे निभाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फिल्म है ये। आई लाइक दैट। स्टूडेंट्स एनी डाउट? आज क्लास में मैं पूछूंगा एनी डाउट तो यस सर कहना। हेलो, पीछे वालों को ठीक से सुनाई दिया है नहीं? एनी डाउट? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, एनी डाउट? अरे बाप रे सर, आप लेसन को फिल्मों से बहुत अच्छी तरह जोड़ते हैं, हमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप इतनी बार पूछ रहे इसलिए डाउट हो रहा है। हिस्ट्री में भी कोई डाउट होता है क्या सर? जल्दी बोलिए, हमें बहुत सारे काम है। चल यार कैंटीन चलते। डाउट पूछने के लिए कहा था ना, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? बहुत डर लग रहा था, पूरी क्लास चुप बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। हुआ था ना, हुआ ना। ये चीज मुझे भी हो रही है विनी, लव में जब ऐसा होता है तो चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ये बात है, ये हार्ट बीट हमेशा नहीं रहेगी विनी, एंजॉय करो विनी, एंजॉय। अगर आप बुरा ना माने तो जाओ, चलो 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 जाओ। अरे कितने दिनों के बाद आया। किट्टू भाई ने पैसा भेजा क्या? बेटा
ये सब बातें घर पर करते हैं, चलो। अभी तक उसने पैसा नहीं भेजा। हट। मेरे पैर में गोली लगने के बाद उसने कुत्ते की तरह मुझे छोड़ दिया। मैंने गलियों में भटक भटक करके पुलिस से छिप करके ट्रीटमेंट कराया। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तू कैसा है बोल? जान पर खेल करके उसका धंधा हम चलाते हैं। वो सब बातें छोड़, तू बोल, मैं करता हूँ। वो कमीना पैसा हमसे कमाता है, ऐश करता है हमारी मेहनत पे। देखो, अगर आपने उससे संबंध रखने की कोशिश की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा लिंगा? मेरी बात सुनो, हमारे कॉलेज में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक वो जो आगे की बेंच पर बैठते हैं और दूसरे पीछे की बेंच पर बैठते हैं। आगे की बेंच वाले बच्चे क्या करते हैं? तरक्की का सपना देखकर मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर से पास होकर विदेश जाते हैं, मतलब हमारे किट्टू भाई की तरह। और अब दूसरे तरह के बच्चे यानी पीछे की बेंच पर बैठने वाले, वो लोग तो कुछ नहीं करते, लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करते हैं और अपना धंधा चलाते रहते हैं, मतलब मेरे जैसे लोग। अरे लिंगा, वो किट्टू चड्डी पहनता था तब से उसे जानता हूँ। अरे किट्टू, जेब काटेगा क्या? वो कहता था, अरे तू बैंक रॉबरी करते हैं यार, ये उसकी रेंज है। तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तेरी तरह पीछे बैठने वाला और उसकी तरह आगे बैठने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। बॉस की कुर्सी खींच करके उसकी कुर्सी पर बैठने वाला इंसान हूँ। कुर्सी कुर्सी चाहिए मुझे। पता नहीं कैसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर पीछे बिठा कर घूमते हैं, मुझे तो पीछे बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। हाथ हटाइए ना, क्या इस तरह से पकड़ना जरूरी है? अगर नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा ना। और अगर इस तरह से पकड़ोगे तो मैं गिर जाऊंगी। ऑलरेडी गिर गई हूँ। अरे बाप रे, लगता है बारिश आने वाली है। तो आने दो ना, भीग कर गीले हो जाएंगे। बस बहुत हो गया, बारिश में भीगूंगी तो सर्दी हो जाएगी, फिर बाद में बहुत तकलीफ होगी, और अगर गला खराब हो गया तो मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, फिर पिताजी चिल्लाएंगे। प्लीज भीगते हैं ना, प्लीज। आपके मन में ये कैसी कैसी फैंटेसीज हैं, मैं आपको सूट नहीं करती। आपकी जिंदगी में तो स्पेशल एनिमेशन वाली प्रेमिका होनी चाहिए। चिरुगाले वस्ते वस्ते चिरुगाले वस्ते वस्ते हाय दीदी। लो लो लो। अंजलि, आजा, come on, come on। मिनी, कौन है? अंजलि है, मेरे पिताजी की स्टूडेंट। आजा, 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 आजा। come, come, come। आजा। चलो निकलो, गाड़ी के बाहर निकलो। Who the hell are you? What are you doing? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, ऐसे स्पीड में कोई गाड़ी चलाता है? ये रोड तुम्हारे बाप की जगीर है, अपना लाइसेंस दिखाओ, आरसी बुक दिखाओ मुझे। हेलो, चलो, वैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? हो जाता तो इतने स्पीड की क्या जरूरत है? मिस्टर, दिस इज द बेंज, और इस गाड़ी को स्पीड में चलाने में ही मजा आता है। मजा? ऑफ कोर्स, स्पीड में चलाने में मजा आता है। मजा क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाऊं? लड़की हो इसलिए बच गई, अगर सिटी में दोबारा तेज गाड़ी चलाती दिखी तो गाड़ी में कोई ग्लास नहीं बची। हेलो ऋषि, तुम्हें अर्जेंट दिल्ली आना होगा, अभी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। Oh, 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 oh,
आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हैदराबाद में हमारे मिशन को स्टार्ट करने का समय आ गया है। क्या है वो? ये देखो। तुम्हें हैदराबाद भेजने का कारण ये लड़की है। ये लड़की कॉलेज ज्वाइन करेगी, इसलिए तुम्हें वहां भेजा था। अब से तुम्हारा टारगेट और मिशन वैशाली है। तुम्हारी ड्यूटी और जॉब सब वैशाली है। कौन है ये लड़की? किट्टू भाई की बेटी है। इस लड़की की मदद से हम किट्टू भाई को पकड़ेंगे। तुम्हें इस लड़की के करीब आना होगा। कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता। अब से तुम्हारा फोकस इस लड़की पर होना चाहिए। क्या सोच रहे हो मिशन के बारे में? विद योर परमिशन, गम का फसाना सुनाओ। हाँ सुनाओ। पति के मरने पर पत्नी रो रही है, उसका बॉयफ्रेंड अगर कहता है चलो उठी चलो और कुतुब मीनार में बुलाकर एक ट्विस्ट दे देते हैं, आपकी तो आदत बन गई है। बकवास बंद करो और वैशाली पर कंसंट्रेट करो। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। आई विल गिव यू ऑल द सपोर्ट, एनीथिंग, कुछ भी बोलो। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, कम ऑन। कॉफी। व्हाट? हाँ बिल्कुल, मुझे कॉफी की जरूरत है। ओके, लेट्स टेक कॉफी ब्रेक। वैशाली, वैशाली दिल्ली आ रही है ये जानकर एसीपी श्रीनिवास ने किट्टू भाई के दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपनी जान खतरे में डाल दी। वैशाली किट्टू भाई की जान है और हमें इस लड़की को इस्तेमाल करना होगा और किट्टू भाई को पकड़ना होगा। किट्टू भाई को पकड़ने का ये अकेला रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये एक सबसे आसान रास्ता है। मिस्टर गुप्ता। यस सर। तुम्हें ऋषि के साथ हैदराबाद जाना होगा और उसके साथ ही रहना होगा। हेलो, ये मेरे साथ क्यों? हैदराबाद में मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं, मैं बाइक चलाता हूँ। ए हेलो, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें सही डायरेक्शन देने के लिए आ रहा हूँ। अब इसको कौन समझाए, ये ओवर डायरेक्शन देके दिमाग खराब कर देगा। चलो तुम लोग क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। ये है वो। ए, ये अपने आप को क्या समझ रही है, अपने बाप का नौकर? चुप रहना, इस लड़की की अपने बाप से नहीं पड़ती, ये लड़की सिरदर्द बन चुकी है। कैसी सिरदर्द? तुम दिल्ली क्यों गई थी? हा? तुम्हें बीच में रखकर मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। तुम्हें जो चाहिए था वो मैं सब कुछ ला कर। मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊंगी, और वैसे भी मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। क्या 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 बाकी लड़कियों की तरह? तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहना है क्या? क्या बाकी लड़कियों की तरह बोलती जा रही? अगर आपने ऐसे ही बात की तो मैं फिर से चली जाऊँ। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, चली जाओ। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कोई मुझे मार ही दे। कोई और तुम्हें मारे, इससे पहले मैं ही मार देता हूँ तुम्हें। क्या करें डैडी? वैशु वैशु तुम अंदर जाओ। गो गो, बात मानने वाली लड़की नहीं है, इसको हैदराबाद भेज देते हैं। अगर ये हैदराबाद गई तो हमारे लिए रिस्क होगा। शंकर अन्ना और कॉलेज भी है, शी विल बी सेफ। दूर रहकर भी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हमारे कंट्रोल में क्या खाक रहेगी? ठीक है, उसको भेज दो। अंकल, मैंने ऑरेंज जूस के लिए कहा था, अभी तक आया क्यों नहीं? हां भेजता हूं बेटी, भेजता हूं। इसकी तो है, तू चुपचाप बैठना। जूस पीने के बाद उसका मुंह भी धो देना। लेक्चरर ने बहुत अच्छा किया, उसका सम्मान करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ बेटा, उसके लिए ना सही, अपने बाप के लिए उस मास्टर को काट डाल बेटा, समझ गया ना? अरे वेंकट, उसको बुला कर लाओ। हेजा खाने जैसी बात करेगा तो उसकी बातों में मत आना, आते ही मार देना। ए, लिंगा आया, जाके बोल दे। लिंगा सर आया है, बोलूंगा मैं आज उसे खत्म कर दूंगा भाई। ये शंकर अन्ना क्या है उसे बता दूंगा। अब अगर किसी ने वैशाली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अपना बोलना थोड़ा कम करेगा। हाँ? अभी उसे छोड़ दे। मगर भाई, इन छोटी छोटी बातों को लेकर वैशाली को फेमस मत करो। देखो, मर्डर करना है तो प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, शुरू नहीं। मेरी बात तो सुनो भाई, आज से वैशाली मेरी बेटी नहीं, समझो तुम्हारी बेटी है। मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, इस तरह रखना है तुमको। ओके ओके, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा, बाय। हेलो। अरे लिंगा, उस मास्टर को छोड़ दे, तू वापस आ जा। वापस क्यों? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? किस लिए? अरे किट्टू भाई का फोन आया था रे, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा है। किट्टू भाई, सब उसी की मर्जी चलेगी क्या? मुझे किसी को मारना है, कोई मरेगा, बोल किसे मारूं? घर पर आकर तू मुझे ही मार देना।
लेकिन वापस आ जा। इसकी तो चल। तू ऐसी जिंदगी पर जब देखो मुझे धमकी देते रहता है। भाई वो आ गया है। भेज उसे। क्यों भाई? बोला ना, भेज दे उसे। ऐसे बुलाकर उसको भेज दूंगा तो पागल समझेगा। अबे उसे कुछ भी समझा के भेज दे, जा। तो 50 के हैं क्या? छोटे से काम के लिए तू यहाँ तक आया? मतलब चिल्लर के लिए? कोई चिल्लर के लिए आता है क्या? जरूरत पड़ गई इसलिए मांग लिया। वेंकट सर। ये सर? लिंगा सर, शंकर सर के बेटे। वो हमारे चेयरमैन के बेटे। नमस्ते सर। इससे पहले दो बार आपके घर गया, आप दिखे नहीं। अमेरिका में रहते हैं क्या? सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं सर। भाई इनसे मीटिंग कर रहे हैं क्या? अभी गाड़ी बैक कर। और रुपए के चिल्लर के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। क्या रे, रिलैक्स हो रहा है क्या? हो जा, अभी तुम्हें आ गया हूँ ना, तो तू आज से वैशाली का मैटर मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, अब से सीनियर मैं प्लान करूंगा और तू मुझे फॉलो करेगा। श्योर। वेरी गुड। अब मैं धीरे धीरे वैशाली के नजदीक जाऊंगा और तू दूर रहकर उसे देखता रहेगा। मैं सिंगल हैंड से मिशन को पूरा कर दूंगा और तू परेशान होकर देखता रहेगा। अरे ठीक है, कहा तो मैं ये अभी तक फोन पे बात कर रहा था। ओके ठीक है। हाँ कल ही कहा था ना। ए तुमसे ही। जरा एक मिनट लाइन पर रहना, तेरी प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब अब तक मैंने जो बोला तू सुना नहीं? ओह, जो मुझसे कहना चाहता है वो तेरा सपना है और अगर मैं सुनूं तो वो लालच कहलाएगा। और इंसान में चाहत होनी चाहिए, लालच नहीं। हाँ बोल। थोड़ा आराम से बात करो ना, पिताजी घूम रहे हैं आसपास। पिताजी आ गए थे। तुम अभी भी लैंडलाइन यूज करती हो क्या? एक मोबाइल ले लो ना विनी। लेकिन वो पिताजी को पसंद नहीं है ना। पिताजी को बताने की जरूरत नहीं है। विनी, अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त बातें कर सकते हैं, समझेगी नहीं तू? मैं वो सॉरी, माँ आ गई थी। अब बोलो। अभी कुछ नहीं, सिर्फ काम होगा। मैं कल तुम्हें एक मोबाइल दूंगा और उससे हम लोग बातें करेंगे। दिस इज योर वेजिटेबल्स। हेलो, हु इज दिस यंग मैन? मेरा फ्रेंड गुप्ता, दिल्ली से आया है। रिसेशन है ना, जॉब चला गया है, इसलिए जॉब ढूंढने आया। ओह, यू मीन सॉफ्टवेयर? ऐसे ही समझ लो। व्हाट्स योर प्लेटफॉर्म? एनी प्लेटफॉर्म रेडी। ओह, ऑल द बेस्ट। आई विश यू न्यू जॉब एंड न्यू लाइफ। थैंक यू। कौन है रे, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है? अल पचुनो नाम है, हमारा अटेंडर है, छोटे मोटे काम करता रहता है मेरे। अटेंडर? मुझसे भी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है यार। आई लाइक यू मैन, आई लाइक यू, आई लव यू। यू नॉटी बॉय। ओए अल पचुनो। या? जरा संभल कर रहना। व्हाई? ही इज अ वेरी नाइस गाय। अब तुझे कैसे समझाऊं? किसी भी तरह समझाओ। हाँ, जब हम ओम शांति ओम फिल्म देखने जाते हैं तो दीपिका पादुकोण को देखते हैं, ये शाहरुख खान को देखते हैं। अगर हम लोग गजनी फिल्म देखने जाएं तो असीन को देखते हैं, लेकिन ये आमिर को देखता है। आजकल जो सारे हीरो बनाते हैं वो क्या है? सिक्स पैक्स। हाँ, ये उन सब के लिए है सेक्स पैक। यू मीन दिस गाय कार्ट्रिज? ओके, वी विल मीट लेटर। ओके, टेक केयर। ए यार, वेयर आर यू गोइंग? अरे सुनो तो सही यार, अरे सुनो तो। सामनी सा निधा पा। अरे सुनील, सुर को पकड़ो ना। ये खुद बेसुरा करा है और मुझे सामनी सा निधा पा। चारू केशव, ये तुम क्या गा रहे हो? गुरुजी साथी में गा रहे और तुम माथी में। सध्यम चीज को मध्यम में गा रहे हो और गाकर उसे बिगाड़ रहे हो। मैंने इतना खराब गाया क्या? माफ कीजिए गुरुजी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो चारू केशव की आवाज सुनकर मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं, चलो तुम भी साधना के लिए बैठ जाओ। सॉरी सॉरी, मुझे चाय के लिए मत पूछिए प्लीज। यहाँ कोई चाय के लिए नहीं पूछ रहा है और तुम यहाँ प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटी, इनके लिए कॉफी ले आओ। गुरुजी विनीता इशारे, मेरी बेटी का आज मौन व्रत। अभी तक नहीं निकले, राहु काल शुरू होने वाला है। नमस्ते आंटी जी। आंटी कैसी आंटी? अरे आंटी कहने में क्या गलत है? अच्छी तरह से घुल मिल गया है। रुको बेटा, मैं कॉफी लेके आती। ठीक है आंटी। अरे आप निकलिए ना जी। अरे बेटा कॉफी पीकर, भूख लगी तो खाना भी खाके जाऊंगा। गुरुजी से अंकल पर आ गया, इसके नेक इरादे नहीं लगते। अबे चारू केशव, मुझे सद्यम मध्यम के बारे में क्या पता, तुमने शायद सही गाया होगा, लेकिन अब गुरुजी के सामने
तुम कच्चे हो और मैं पक गया हूँ। अरे मुझे पता है रे, मैं सुर नहीं भूलता हूँ। तू ही गलत सुर में गा रहा है। गलत सुर का मतलब क्या है रे? इसका मतलब तू ही है। कॉफी आ गई है, पी लेता हूँ। आज तुम्हारा मौन व्रत है। अरे बाप रे, ये खामोशी कैसी? मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा है ना? अरे खामोशी नहीं, अब ये उड़ने वाला प्लेन है, ये पायलट और वो पैसेंजर। मिस कॉल दे देना, बाय। चारू क्या देख रहे हो भाई? बिन्नी की हरकतें अजीब हैं। जानना चाहता हूँ पर बताती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते, क्या प्रिंसिपल, कैसा धंधा चल रहा है? अरे सर पूछ रहे कि कॉलेज का धंधा कैसा चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा सर। शाबाश, इस लड़की का नाम है वैशाली। उस दिन कहा था ना मेरी बेटी की तरह है। हेलो वैशाली। हेलो सर। है किसी को नमस्ते नहीं करना है? अरे सारे टीचर्स तो यही हैं। कैसे हो भाई लोग? आपकी कृपा से सब अच्छे ही हैं। आप कैसी हैं अम्मा? अम्मा अम्मा दिखता हूँ तुझे, तू मेरा बेटा है क्या? अरे कुछ गलतफहमी है। अम्मा नहीं शंकर अन्ना बोल। मैं डॉक्टर जी से कह रहा था, आपसे नहीं। ये कैसी डॉक्टर? देखो बिल्कुल लेडी शंकर अन्ना की तरह दिख रही है ना। अरे उल्लू जबान संभाल के बोल। प्रिंसिपल पेपर लेकर आओ, मैं अंगूठा लगाता हूँ। बिना कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कारण चाहिए तुझे? प्रिंसिपल तुझे रहना है या उसके साथ ही जाना है, जल्दी डिसाइड कर ले। मैं पेपर्स रेडी करता हूँ। सर मुझे पता नहीं था कि आपकी। अरे चुप! अब तक तुमने जो कहा मैंने वो सब सुना, अब नहीं सुनूंगा, चल। इतनी बार समझाया कि तू जल्दबाजी मत किया कर, तेरा सीनियर को सीख मुझसे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। ऑल द बेस्ट। तू देख अभी हफ्ते भर के अंदर वैशाली को अपने प्यार में फंसाऊंगा और एक महीने के अंदर किंटू भाई को पकड़ लूंगा। वैसे तू अभी दिल्ली जा रहा है ना, तो सर को बोलना मेरे प्रमोशन के पेपर तैयार रखेंगे। जाकर आता हूँ। क्या फिर से आएगा? ओह सॉरी, जाता हूँ। हैप्पी जर्नी यार। थैंक्स। हे अल पचिनो, इस सिटी का और मेरा साथ इतना ही था। आई विल मिस यू, बाय। ए इसको लेकर इतना दुखी मत हो। ए अल पचिनो, आज से मैं और तू है, टेंशन मत ले, तेरा जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। बाप रे, वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर सिक्स आ जाना। वैशाली मैं सबको बाय बोलने आया हूँ, मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा। व्हाटएवर, तुम जहाँ रहोगी मैं वहाँ 5 सेकंड भी खड़ी नहीं रहूंगी। एनीवेज वैसे भी मेरा आज कुछ सुनने का मूड नहीं है। वैशाली वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए बोला तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी मैंने तुम लोगों को मार्क्स दिए। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया। तुम लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बनो और बड़ी पोजीशन पर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल को अगर गिरी एक आईएएस ऑफिसर बन गया और प्रवीण एक आईपीएस ऑफिसर बन गया और कहीं मैं रोड पर दिख जाऊंगा तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं, इस तरह बोलना तुम कभी मत भूलना। लेक्चरर आप कैसे हैं? ये हम कैसे बोल सकते हैं सर? आपके बगैर हमें क्लास में एंटरटेन कौन करेगा सर? हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। नो, ऐसे फिक्स मत हो जाओ, तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। मुझे कॉलेज में फिर से वापस बुलाने के लिए तुम लोग दंगा फसाद स्ट्राइक वगैरह कुछ मत करो। अब हम स्ट्राइक करके ही रहेंगे। ऐसी जल्दबाजी मत करो गिरी, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए शंकर अन्ना के घर पर जाकर झगड़ा करोगे? Exactly, हम अभी शंकर अन्ना के घर जाकर झगड़ा। अरे कमान से सुनो, रुको प्लीज, चलो चलो चलो, रुको रुको, देखो ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे।
your destiny. Just trust in. Yeah, this guy. Yeah, me sign. Yeah, me sign. Your destiny. Just trust in. बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं जाने देंगे। नहीं, इसकी तो आज तो उस मास्टर की मैं बैंड। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शंकर बन्ना हमारी बात जरूर मानेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं भी तो उनको यही बता रहा हूँ, झगड़ा मत करो। ये सारा जुलूस तुम्हारे कारण ही निकला है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने नहीं कहा। मैं तो शहर छोड़कर जाने वाला था। देखिए बैग भी रेडी है। ऐसा है तो फिर इन सबको बोलकर स्ट्राइक बंद करो। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के अभिमान को नहीं। ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम सब लोग क्लास में जाओ, बाद में देख लेंगे। चलो चलो, अपने अपने क्लास में चलो। मुझे फिर से कॉलेज में लेने तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कहना। इसकी बैटरी डाउन हो गई है और उधर कॉलेज में झगड़ा हो गया है। उस हिस्ट्री मास्टर को वापस कॉलेज में लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं। अगर ये मैटर सीरियस हो गया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हारे डैडी किट्टू भाई ने इस मैटर को सुलझाने को कहा था। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। बोलो मैं क्या करूं? ओके, उस दिन रास्ते पर सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, तो आप उसे जाकर कहिए कि सबके सामने मुझे सॉरी बोले। इतना ही ना, उसे मैं बुलवा दूंगा। देखो मास्टर, तुम्हें मेरी बच्ची को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी समझौता हो पाएगा। गलती तो उसने की थी, फिर हमारे टीचर क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं मानते, नहीं मानते। अरे कूल कूल कूल, मेरे एक बार सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है तो एक बार क्या 100 बार सॉरी बोलूंगा। वैशाली आई एम सॉरी, शंकर सर आई एम सॉरी, ठीक सर आई एम सॉरी, वेंकट सर आई एम सॉरी। देखा, डर गया ना? हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा। देखो मास्टर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाओ। हाय वैशाली, दिस इज राम, राम वैशाली, वैश वैश मेरी वैशाली, ए वैश वैशी। ए तू यहाँ फिर आ गया? ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं रे, कॉलेज फिर से ज्वाइन किया। क्या फिर से ज्वाइन किया? कैसे बताओ? हाँ बोल रहे, मुझे भी तेरे साथ शेयर करना है। अरे बोल रहे, कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। कुछ फ्रेंड्स के कोऑपरेशन की वजह से ये सब हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा किया तूने। ये सब होने वाला है जब तुझे पता था तो बैग पैक करके तूने मेरे साथ नाटक क्यों किया? बस फील के लिए। ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने विश्वास किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे कंटिन्यू किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सुन रहे हो ना तुम लोग? जो वादा किया वो। कमिन वैशाली, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? रुको मेरी बात सुनो। ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहे हैं? ए, बैठ जाओ बैठ जाओ, एग्जाम है आज, इसे एग्जाम भी नहीं देने दोगे? बैठ जाओ, आप जाइए। वैशाली, मधुबाला, स्निग्धा, गेस हु इज क्लास फर्स्ट? विनीता, विनीता। नो, वैशाली गॉट फुल मार्क्स एंड शी इज क्लास फर्स्ट। वैशाली, वैशाली, ये क्या? हिस्ट्री में भी किसी को फुल मार्क्स देते हैं क्या? हाँ तो क्या, जिसको आती है उसको देते होंगे। तुम लिखो तुम्हें मिल जाएंगे। या, या। वैशाली, वैशो, वैशो, लिसन टू मी, वैशो। क्या हुआ वैशाली, मुझसे कोई गलती हुई क्या? ये मार्क्स कैसे 25 out of 25, ऐसा क्यों किया? एग्जाम 25 मार्क्स का था ना, 30 देता तो अच्छा नहीं लगता। मैं पागलों की तरह लाइनें खींच कर आई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ पता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें फेल कर देता तो तुम मुझे सस्पेंड करवा देती, इसलिए। हाँ डरो, सब लोग मुझसे डरते ही रहो या फिर मुझे डराते रहो। आई हेट यू, आई
hate those students. I hate that college. मैं ही college छोड़ दूंगी, फिर तुम सब खुश रहना. No! ये करेक्ट नहीं है. क्या बोल रही हो तुम? उधर सारे काम बिगड़ जाएंगे. What? Actually वैशाली, तुम अपने आप से नाराज हो, है ना? मैं करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं? ये बताओ. हेलो, ऐसी फिलोसफिकल बातें बुक्स में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं. You are right वैशाली. लोगों को प्यार से जीतना चाहिए, ना कि नफरत से. प्यार करो वैशाली, प्यार करो. कॉलेज से प्यार करो, कैंपस से प्यार करो, नोटिस बोर्ड से प्यार करो, मुझसे प्यार करो. तुम्हारी जो कोई तकलीफ है वो मुझसे शेयर करो, मुझसे फ्रेंडली रहो. तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ है ना, फिर तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? फ्रेंडशिप वैशाली, फ्रेंडशिप. अगर ये पूरी दुनिया तुम्हें फेंक देगी तो मैं कैच करने के लिए तैयार. Hey, hey, hey! हाँ, गुरु शिष्य के बारे में एक महान कवि ने क्या कहा था तुम्हें पता है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी लाइक फिश एंड वॉटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक द फिश एंड फिशरमैन. अगर ग्रामर में मिस्टेक हो जाए तो मत देखना, और अगर मीनिंग ही गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना. ये कहीं तो सुना. इंसान कहीं भी हो उसे पुकारना चाहिए. सुनो वैशाली, ज्यादा मत सोचो, क्लास में चली जाओ. लेकिन वो लोग मुझे. वो लोग चाहते हैं कि मैं कॉलेज में रहूं, और मैं चाहता हूं कि तुम क्लास में रहो. उन सबको मैं मनाता हूं. चलो. ए, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो सब लोग? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो सब लोग. क्यों तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो? इस लड़की को अपने से दूर क्यों रख रहे हो? फ्रेंड्स, उस लड़की को दूर रखो, उसे अवॉइड करो. अगर वो क्लासरूम में आती है तो तुम सब उठ के चले जाओ. अरे, इसने ऐसा किया क्या है कि तुम इसे नफरत कर रहे हो? उसने सबके सामने मुझसे सॉरी बुलवाया, आज से तुम लोग सब इसे नफरत करोगे. इसे कितना दुख हो रहा है तुम्हें पता है? शर्म के मारे उसे दुख होना चाहिए, उसकी गलती उसे पता चलनी चाहिए, उसके अंदर जो नफरत घमंड है वो सब खत्म हो जाना चाहिए. जो भी हुआ उसे भूल जाइए. प्लीज वेलकम हर, आज से सब लोग इसे फ्रेंडली रहेंगे. अरे सर, आप जो कह रहे हैं आपको खुद को समझ में आ रहा है क्या? 100% मुझे ही नहीं, तुम सबको भी उसे समझना होगा. लेकिन उस दिन आपने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ. हमने जो कहा, उसने जो किया, वो सब भूल जाओ. गिरी भाई, दैट्स ऑल. ओके, जाने दो. जब उसको परवाह नहीं तो हमको क्या प्रॉब्लम? फील माय लव, फील माय लव. मिस्टर ऋषि, मिस्टर ऋषि, इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा और वैशाली को इंप्रेस करूंगा. क्या सर? सर नहीं है, ठीक है, मैं बाद में आता हूं. ए मैन, अरे बाप रे, वेट मैन, मेरी फीलिंग को समझो. कैसी फीलिंग? मेरी फीलिंग्स मना मत करो, शादी में सब नया लगेगा, बाद में आदत हो जाएगी. फील माय लव, फील माय लव, फील माय लव. किसको लव फील करवा रहा है? गलत टाइम पे आ जाता है, कबाब में हड्डी बन जाता है. आप बहुत अच्छे मौके पर आए हो. आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचा ली. ये तो आपके साथ ही रहता है, क्या ये आपके साथ भी ऐसा ही करता है? ये सब मेरे साथ करने की उसकी हिम्मत नहीं है. हा? मैं देख लूंगा, तुम जाओ. हेलो, एक्सक्यूज मी. यस, आई लव यू. एक्सक्यूज मी. हेलो, फील माय लव. चाहिए तो मैं आपके बात करता हूँ. इज्जत से फील माय लव, फील माय लव, फील माय लव. इम्पॉसिबल. अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे लव को फील करे, इम्पॉसिबल. क्यों, क्यों नहीं फील करेगी? और ये बोलने वाला तू कौन होता है? मैं वैशु का बचपन का लवर हूँ, हमारा लव बचपन से चालू है. राइट राइट. बाप रे बाप, कितना अच्छा नाटक कर रहे हो तुम लोग. अभी के अभी लवर पैदा होकर आ गया क्या? ये सब नहीं मानता, वैसे भी मैं तुमसे सीनियर हूँ. आई मीन मैं तुमसे पहले इस पार्क में आया हूँ. शंकर अन्ना को फोन करूँ? दो मिनट में इसे ठीक कर दे. नो वैशाली, मैंने कहा था ना, इंसान को प्यार से जीतना चाहिए. ओके कूल. ए, तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? क्या करके विश्वास दिलाऊं? बोलो. ये क्या कर रहा है? अब वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा. ओ आई एम सॉरी वैशाली. इट्स ओके. वैसे तुम्हें थोड़ी कम करनी पड़ेगी. क्या? खूबसूरती, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का पीछे आएगा ही. विनी, पिताजी का सामान होने वाला है, याद है ना? 15 मिनट में वहां पहुंचूंगा, तुम रेडी हो गई हो ना? अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. सर, मेरी बच्चा नहीं था इसलिए पब में आ गई. कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज सर. सम्मान के लिए जाऊंगा तो शास्त्रीय संगीत होगा, बढ़िया माहौल होगा और शांति होगी, और अगर पब में जाऊंगा
तो लड़कियां होंगी, बियर होगी, लाउड साउंड होगा, नकली धुआं होगा, गंदगी होगी, छी 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 छी। पब में ही चलते हैं। ये क्या ऋषि अभी तक घर पर नहीं आया? Too funny, I have never seen anyone dance like that. Excuse me. Okay. ये क्या किया इसने? अभी कॉल किया? इस कॉलर ट्यून के लिए स्टार दबाइए, उसके बाद नौ दबाइए, और अगर आपको कॉलर ट्यून चाहिए तो महीने के 15 रुपए और आपके लिए 1000। कॉल किया तो गाना क्यों नहीं आया? आपका कॉल हमारे एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रांसफर हो रहा है, कृपया वेट करें, कॉल पर बने रहिए। कस्टमर केयर, साला उसकी तरह उसका फोन भी टेढ़ा है। क्या हवा है, क्या हवा है। अगर ऐसे मौसम में बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाए तो कितना मजा आएगा। अरे रे रे रे, तुम्हारे पास ये चांस नहीं है ना। हेलो, कार में एसी लगा है ना? कार में बैठ के एसी का सुख लेना अलग बात है, और बाइक पर बैठकर खुश होना अलग बात है। सुख हासिल करना अलग है और खुश होना अलग। बाय। ओके। चलो बाइक का मजा मैं भी देखूं। कितने अच्छे तरीके से आपका सम्मान किया गया, देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुत अच्छे से हुआ है, उन्होंने कोई गोल्ड अवार्ड नहीं दिया है, ये पीतल का अवार्ड दिया है, इनको बदन पोंछने के लिए शॉल भी दिया है। एक कलाकार नाम के लिए तरसता है, पैसों के लिए नहीं। अभिमानी लोग मुझे देखकर किस तरह ताली बजा रहे थे, उनको देख के मेरा पेट भर गया। तो ठीक है, कल से जब भी आपको भूख लगेगी तो हम खड़े होकर ताली बजा दिया करेंगे। अब चले क्या? चलिए, टैक्सी वाले ने मीटर ऑन कर दिया है। भक्ति चैनल में क्या आप हमें 2 बार गाना सिखाने जाएंगे? मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा अमाउंट दिलवाने की बात कर रहा था, हफ्ते में 2 फिल्मों के गाने सिखाने हैं। संगीत और सरस्वती पे भरोसा रखना चाहिए, उसे बेचना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, इनके लिए सिर्फ गाना ही नहीं, इनकी बातें भी रूटीन है। देखो भाई साहब, कोई अच्छा वाला बढ़िया सा ढिंचक ढिंचक गाना लगा। गा तो नहीं सकते पर सुन तो सकते है। बाइक में बैठकर मुझे बहुत मजा आया। अब से आप मुझे मिस नहीं करेंगे। मतलब जब भी तुम्हें बाइक पर कहीं जाना हो मुझे फोन कर देना। थैंक यू, गुड नाइट ऋषि। वैशाली। या वाटर? कम कम। बाइक पार्क करके आता हूँ। ओके। दिस इज माय रूम, कैसा लगा बताओ? जंगल में बिल्कुल चांद की तरह लग रहा है, यहाँ के आदमियों से तुम्हारी पड़ती नहीं है ना? हाँ, मैं इन्हीं लोगों के बीच में पली बढ़ी हूँ, यहाँ ये लोग मुझे देखकर डरते हैं और घर में मुझे डरना पड़ता है। ये शंकर अन्ना तुम्हारे लगते क्या हैं? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरी मम्मी नहीं है, जब मैं बच्ची थी तभी गुजर गयी। शंकर अन्ना मेरे डैड के फ्रेंड है। तुम्हारे डैड कहाँ पर है और करते क्या? प्लीज लीव दिस टॉपिक, मुझे मेरे डैड के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें जब कंफर्ट लगेगा तभी बात करेंगे, ओके? अरे बेटा, अरे मेरी बात तो सुन। अरे लिंगा, तुझे मैंने इतना समझाया फिर भी तेरी समझ में नहीं आता। उस किट्टू भाई और रतन से मैंने सुपारी ली हुई है, अब अगर तू उनका काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा बोल? नहीं करूंगा, आज से मैं उस किट्टू का काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। अरे गधे की औलाद,
अगर ये बात किट्टू भाई को बुरी लग गई ना तो वो तुझे और मुझे दोनों को मार डालेगा, समझा? हट, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ। अगर तू उसे इतना डर के धंधा कर रहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं छोड़ूंगा तुझे, डरपोक कहेगा, तेरा मर जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं, अपने बाप को ही मार डालेंगे क्या? तू यहाँ कैसे? तू इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है? वो वैशाली की कार खराब हो गई थी तो मैं उसे ड्रॉप करने आया था। अरे लिंगा सर, इतना गुस्सा, अपने पिता को ही मार दोगे? अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा लिंगा सर? और तुम क्या कर रहे हो, ये दोनों आपस में लड़के मर जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी हड़पने का सोच रहे हो? बाहर चुपचाप साइलेंट खड़े थे, अंदर आके इनको समझा नहीं सकते थे? सुना तूने बाहर वालों को मेरी कितनी चिंता है, लेकिन तू मेरा बेटा होगा। चुप रहिए शंकर सर, अगर आप लिंगा सर को कुछ बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सब आपकी मर्जी से होना चाहिए क्या? अरे उनके हिस्से का खेल भी आप ही खेल रहे हैं सर। आपसे किए गए वादे की वजह से कि कहीं आप हार न जाए, इस फिक्र में वो पिछले 30 सालों से हारते चले आ रहे हैं। यहाँ पर इसको 3 महीने नहीं हुए, 30 साल के बारे में कैसे पता? इनकी मासूम आंखों को देखकर आप समझ नहीं पा रहे? कुछ मत समझ, अभी भी लिंगा सर की पिस्तौल आपके हाथ में है सर। गलत है ना, ये कैसा न्याय है? तुम्हें पता है कि इसने क्या किया है? चुप रहो तुम, बोलने की जरूरत नहीं है, बैठिए सर। क्या? मैं बताता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने बताया, अगर रतन को छोड़कर उसके भाई से आप लोग डील कर लो तो? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा किया ना तो किट्टू और रतन मिलकर हमको फाड़ डालेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली में एसीपी श्रीनिवास को चुटकियों में उड़ा दिया था। मैं क्या हूँ, हरामी को अच्छी तरह पता है, वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। शाबाश शाबाश लिंगा सर, आपका अकेला बेटा 100 किट्टू भाइयों के बराबर है। इसको देखकर आपको गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि डर। कुछ ज्यादा बोला हो तो आई एम सॉरी। ओहो, मैं निकलू क्या? जाने का टाइम हो रहा है। ओके, रात में भी तेरा क्लास होता है क्या? अगर मुझे सुबह क्लास लेना है तो रात में तैयारी करनी पड़ती है ना वेंकट सर। हेलो, सेठ किशनलाल। कौन? सलीम भाई? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ जाकर शंकर अन्ना से हाथ मिलाकर किट्टू भाई को अप्रोच कर रहा है। तुम उसी शंकर अन्ना के बेटे से मिलकर एक अच्छा अमाउंट दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। थारो नाम? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या मेरा नाम? मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। क्या हुआ विनी? उस लड़की के साथ गले में हाथ डालकर क्यों नाच रहे थे? वो लड़की वेस्टर्न में गा रही थी ना, तो उसका... अच्छा, कल रात तक तो क्लासिकल कर रहे थे और आज वेस्टर्न पर शिफ्ट हो गए। वो थोड़ा माइकल जैक्सन का गाना होगा। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा स्टार होगा, लेकिन हमारे त्यागराज उनसे सीनियर है। तुम्हें समझ में नहीं आता? समझ में आ गया विनी, सच्ची समझ में आ गया। पहले तुम, बाद में वो। मेरी बात फिर वो क्यों? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ। विनी विनी विनी, ओ पजेसिव, आई लाइक इट विनी। कॉलेज में डांस और फिर फोन पर सॉरी। इसे स्विच ऑफ ही कर देती हूँ। अरे लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसने मुझे कितनी बार फोन किया? इसे वाइब्रेटर पर डाल देती हूँ। विनीता, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, तुम खाना ला रही हो या मैं खाने के लिए बाहर चला जाऊँ? हाँ लेकर आ रही हूँ। आ गए। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं क्या? ठीक है पिताजी। अरे खा क्यों नहीं रहा है? खा तो रहा हूँ मामा जी, लेकिन देख रहा हूँ कि विनीता आज बहुत उछल कूद कर रही है। इतना बड़ा हो गया, अक्ल बिल्कुल नहीं है। कुछ तो उसने छुपाया है, पूरे कमरे की तलाशी लेने से पता चल जाएगा। अभी चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ये सेल मेंटेन कर रही है, बिल कौन भरता होगा? 20 मिस्ड कॉल्स और 25 SMS। अच्छा ही है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी, आई लव यू अ लॉट। अगर तुम नाराज हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, इसने तो पूरा संसार बसा लिया है। ये यहाँ पर आता है या यहीं पर रहता है? कुछ भी हो, रेड मिल तो गए। तुम फोन नहीं उठाओगी तो कैसे चलेगा? अरे आप यहाँ से चले जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे कौन देखेगा, अगर देखेगा भी तो चारू केशव भी देखेगा। देखेगा क्या, ऑलरेडी देख लिया। अगर देख भी लिया तो भी कुछ बता नहीं पाएगा।
क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसे ये बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। अरे रे रे, फिर भी हिम्मत करके बताऊंगा। चल। अगर उसने हिम्मत करके बता भी दिया तो क्या होगा, कुछ दिनों के लिए झगड़ा होगा और बाद में हमारी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे पकड़ूंगा तो भी नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। अगर मैं ऐसे टच करूंगा तो भी नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा। अब पी लूंगा तो भी नहीं बताएगा। तुम उसी शंकर अन्ना के बेटे से मिलकर एक अच्छा अमाउंट दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप कौन? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या मेरा नाम? प्रॉपर्टी चाहिए। किट्टू भाईया को पता चले तो कोई प्रॉब्लम। कौन है किट्टू भाई? कौन है? मैं किसी किट्टू भाई वाले से नहीं डरता। किट्टू भाई, किट्टू भाई। हिस्ट्री लेक्चरर जानकर तुझमें जान आ गई। तूने पुलिस ऑफिसर को मारा था ना, अब देख एक पुलिस ऑफिसर तुझे कैसे मारता है। अरे कौन है तू? नाम ऋषि, इंस्पेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, न्यू दिल्ली। डिपार्टमेंट ने नाम देकर भेजा है मिसाइल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीता। क्या हुआ, रिस्पांस क्यों नहीं दे रही? मौनव्रत है। ओह हाय हैंडसम, लुकिंग ग्रेट, शर्ट काफी सेक्सी है। डबल एक्शन कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। आज का टॉपिक है क्षमा। इतिहास के पन्नों में किन राजाओं ने क्षमा नीति अपनाई थी? कौन है? कौन है? कौन है जो हंस रहा है? अगर हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसो, पूरे क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? चल रहे सर, आप सुपर है सर। क्यों रे, क्या कर रहे हो? बोलो तो फटक से बाहर जाने का। चलो बैठो, बैठो अंदर। ये क्या, क्लासरूम में मोबाइल बंद रखने का कितनी बार समझा तुम लोगों को? अभी तक क्यों बज रहा है? आपका बज रहा है। अभी तक जो बोला है उसे रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कॉल क्यों किया? मैं बहुत बोर हो रही हूँ सर। चलिए ना बाहर चलते हैं। बाहर जाएंगे? अभी कैसे? बंक कर लेते हैं। बंक? कॉलेज बंक करना मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। स्टूडेंट्स तो बंक कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरर्स कैसे बंक करेंगे? अरे कुछ भी नहीं होगा सर, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, क्लास हो जाने दे, फिर बात करते हैं। ओके हाँ। तो कमिंग टू द पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे एक डाउट है। मुझे तो इसके ऊपर ही डाउट है। एक्चुअली खैर जाने दीजिए, आपके स्टाफ रूम में आऊंगी तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। आज क्लास में मैं एनी डाउट पूछूंगा तो तुम खड़ी हो जाना। मैं बोलने जाऊंगा तो कहना, सॉरी सर मेरी वजह से क्लास में डिस्टर्ब ना हो, मुझे पसंद नहीं, मैं स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करती हूँ। मैं ओके कहूंगा, फिर मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे होगी उसके बाद।
गया हुआ। ओह माय गॉड, तुम्हारे मौन व्रत के चक्कर में हालत खराब हो गई है पता है। उस लड़की ने डाउट पूछा है तो तुम्हें क्या परेशानी है। ओहो, लेकिन सर उस लड़की में ड्रेस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। उस लड़की को देखा है क्या, क्या दिखती है वो, एकदम हीरोइन के माफिक लगती है। और खुद को देखो, सड़े हुई गोभी की तरह दिखती हो। मैं लड़की हूँ फिर भी मेरे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, तो सोचो लड़के देखकर क्या सोचते होंगे। हाँ तूने तो मौन व्रत रखा हुआ है और वो अटेम्प्ट करती रहती है। दोनों के बीच सर की सरोते के बीच सुपारी जैसी हालत हो गई है। अब से मौन व्रत नहीं कुछ नहीं। ऋषि जी सुनिए ना, ये हुई ना बात। विनी, तुमने मुझे ऋषि क्या क्या बोला। I can't believe this. तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई विनी? आज से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आज आपको मुझे ड्रॉप करना होगा अपनी बाइक पर। हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी बाइक का कौवा उठाकर ले गया, इसे तुम्हें क्या। रियली I like that kawa. Actually, I love that kawa. Excuse me, Rishi sir. I'm waiting in the staff room. ये डाउट मैंने पूछने को नहीं कहा था, उसने खुद पूछा था। तुम जाओ, मैं उसका डाउट क्लियर करके आता हूँ। ऋषि, तुम्हें पहले वहाँ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, यहाँ नहीं। विनीता मेरा पैशन है, वैशाली मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चल सकते। लाइफ में रिस्क नहीं हो तो क्या मजा है। आ रहा हूँ वैशाली। कमिंग वैशु। रिस्क तुझे नहीं मुझे है। वैशु वैशु। Come on, ऋषि। अरे तुम स्टाफ रूम में ना होकर यहाँ क्या कर रही हो। कम ना। ओ वैशु वैशु, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। रुको वैशु सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हो। अरे कहाँ वो तो बताओ। मेरा बेटा लिंगा, लिंगा मेरा बेटा। तेरे लिए ही मैं आज तक उस पागल किट्टू को झेलता रहा, अब अगर आज तू ही नहीं रहा तो कुछ भी मेरे काम का नहीं। आने दो वैशाली को, आज मैं उसे दिखाता हूँ कहाँ है वैशाली, कहाँ है वैशाली। वैशु कहाँ लेकर जा रही हो। वैशु वैशु ये जिद क्यों कर रही हो स्पीड। I just love the speed. वैशु 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 please stop the car. वैशु 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 please stop the car. वैशु please मेरी बात सुनो। वैशु वैशु stop the car. वैशु stop the car please. क्या हुआ, डर गए थे क्या। देखो अपनी आंखें बंद कर लो। वैशु डर नहीं लग रहा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है। है। अगर मुझ पर भरोसा है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। What? तुम गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। What are you saying, ऋषि? करोगी? हाँ? स्लो स्लो। क्यों डर लग रहा है क्या। तो और फास्ट और फास्ट फास्ट। स्ट्रेट 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 करना। फाइन या स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब अपनी आंखें खोलो वैशाली। ओह माय गॉड ऋषि, दिस इज सो कूल, माइंड ब्लोइंग ऋषि, सुपर्ब, आई कांट बिलीव दिस। This is unbelievable.
many many happy returns of the day वैशाली. thank you so much. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे है? तुम्हारे लिए जिसने मुझे अपॉइंट किया उस सीक्रेट एजेंट ने बताया. What? और नहीं तो क्या वैशाली, हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं, इतनी बात तो पता होगी ना. चलो केक कट करो. एक्चुअली कॉलेज कैंपस में मैंने प्लान कर लिया, लेकिन तुम इस तरह लेकर गए तो प्लान चेंज हो गया. तुम तुरंत हैदराबाद जाओ और शंकर और उसके आदमियों को फिनिश करके वैशाली को लेकर आओ. ठीक है डैड. और लिंगा को किसने मारा है ये भी बता. घबराने की कोई बात नहीं, दो दिन में ठीक हो जाएंगी. थैंक यू डॉक्टर. वैशाली मैं 5 मिनट में आता हूँ. टेक केयर. इंस्पेक्टर जरा बाहर आएंगे प्लीज. रिलैक्स, टेक रेस्ट. डैडी का कहना नहीं माना, देखा ना क्या हुआ. बस करो, बहुत हो गया. अब तक हम तुम्हारी बात सुनते आए हैं, अब तुम हमारी बात सुनो और सुननी पड़ेगी. शंकर अन्ना का एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए. शंकर अन्ना जहां भी छुपा उसे ढूंढ कर निकालो, वो मुझे चाहिए. सर भी कुछ कम नहीं, लगता ही नहीं था कि ऐसा करेंगे. विनीता अब तो खुश होना, वो सब मेरा ही पागलपन था. और क्यों नहीं होगा, जो चाहते थे वो हासिल कर लिया ना तुमने. तुम्हारे प्यार के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं, रूमर्स, अफवाहें, छिप छिप कर मिलना, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने सोचा, सिर्फ नाम बदल गया है. विनीता प्लीज इन सब पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो. मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो गलत है. क्या गलत सोच रही हूँ, क्या गलत है? उस दिन उस लड़की का क्लासरूम में डाउट पूछना, मुझे ड्रॉप करोगे ऐसा कहकर उसके साथ गाड़ी में चले गए, क्या ये सच नहीं है? आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते. ये कैसा प्यार है, कोई भी नहीं चाहता कि उसके बारे में अफवाह उड़ाई जाए. चल उसने कहा भी, लेकिन तूने कैसे मान लिया. हा? चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन ऐसे में हर किसी की बात मत सुनो. तू जाकर खुद उससे बात कर ले, उसके मन में क्या है ये पहले जान ले. हेलो, किट्टू भाई का बेटा सिटी में आया, उसने शंकर के आदमियों को निशाना बनाया. तुम जल्दबाजी मत करना और इन सब से दूर रहना. ओके. शंकर अन्ना, शंकर अन्ना, क्या सोच रहा है, हमें भी तो बता, हम भी तो ड्यूटी कर रहे हैं. अरे क्या हुआ इसको. ए, 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 वैशाली का फोन, ले बात कर ले. अबे मैं बहुत नहीं करना चाहता हूँ, बात कर. हाय वैशाली कैसी हो. मैं ठीक हूँ सर, बट आई एम सो सॉरी सर, कॉलेज में सब लोग आपके बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं. कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आई डोंट केयर. सो सॉरी, डोंट बी एंग्री प्लीज सर. अरे ये सर फिर से क्यों, ऋषि बोलो ना. मतलब सर सॉरी 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 सॉरी, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा आपको. कुछ भी नहीं, आई एम कूल. थैंक गॉड, आई एम सो रिलैक्स्ड. आपको देखने का मन कर रहा है तो 10 मिनट में वहाँ आ जाओ. नो नो नो, अभी नहीं. क्यों, मेरा भाई आया हुआ है. नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे भाई से मिल लेता हूँ, उससे मिलवा देना. कोई जरूरत नहीं, मैं ही आपसे मिल लूंगी. वैसे विश तो कर दिया, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है. करेक्ट, तो गिफ्ट लेकर आता हूँ. चाहो तो फोन पर भी दे सकते हो. फोन पर, फोन पर कैसे. ले जा. वैशाली. अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो, मुझे यही चाहिए था. बाय, सी यू सून. टाइमिंग यार, उसने भी दिया होगा ना, दिया होगा ना, कहा था ना हमारे कॉपरेशन के बिना मिशन कंप्लीट नहीं होगा. किस कर देगा, फोन पे किस कर देगा. तुझे कितनी बार कहा है मेरे पर्सनल मैटर्स में दखलअंदाजी मत किया कर. तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, सीनियर को मारा, तेरी प्रॉब्लम क्या है,
क्या है तेरी प्रॉब्लम? वैशाली तेरे लिए जैसी है वैसे मेरे लिए भी है, ये हमारा जॉब है, ड्यूटी है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तूने मुझे मारा ना, कल तुझे दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा कल तुझे। क्या दिखाएगा मुझे? हाँ क्या दिखाएगा? दिखा, अभी दिखा, इसी वक्त दिखा ना। ए, मैं तुझे बराबर करके रहूंगा, करके रहूंगा बराबर। वैशाली कहाँ है? वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है सर। हेलो, तुम्हारी बहन को ऋषि नाम के इंस्पेक्टर ने ट्रैप किया है। तू कौन है? अभी वो उससे ही मिलने गई है। ये सब मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि तू किट्टू भाई का बेटा है और वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? ये जरूरी है बॉस, जरूरत तुम्हें है और फायदा मेरा होगा। सॉरी, मेरा जो फायदा है वो भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हें डिसाइड करना है। और ऋषि के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊंगा, फिलहाल अपनी बहन के बारे में सोचो। हेलो 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 हेलो, हेलो, मैं आपके घर के पास ही हूँ ऋषि। मेरे घर के पास? कहाँ पर हो? कम डाउन एंड टेक अ लेफ्ट। वैशु, तुम इस वक्त यहाँ? आपको देखने का मन किया, आपसे बात करने का मन किया। यू नो ऋषि, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके कई साल गुजर गए हैं, और जब आपने उस दिन मुझे विश किया तो लगा कि मेरा अपना कोई है। सिर्फ एक बर्थडे के दिन ही नहीं, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरा हर एक दिन सेलिब्रेशन होगा। मुझे तुम चाहिए ऋषि। यस, आई नीड ऋषि, आई वॉन्ट ऋषि, आई लव ऋषि। कहो ना ऋषि, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? प्लीज ऋषि बोलो, विल यू बी विद मी फॉरएवर? आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक्स ऋषि, मेरे लिए बस इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वैशु, तुम्हारे डैडी भाई? प्लीज ऋषि, उनका नाम भी मत लो। मैं उनके बारे में कोई भी बात कहना और सुनना नहीं चाहती, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। एनीथिंग रॉन्ग विद यू ऋषि? कोई बात नहीं वैशु, आई एम ओके। आई हैव टू गो ऋषि। ओके, सी यू सून, बाय। आप ऋषि? हाँ वैशु। विनी, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करने को कहा था, अब तो आँखों से देख भी लिया। तुमने जो देखा वो सच नहीं है विनी। आपका क्या है, आप तो कुछ भी कहेंगे। मैं ही पागल हूँ जो इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी यहीं पर खड़ी हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। अरे हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू उसने कहा, मैंने नहीं। किस भी उसने किया, मैंने नहीं। मुझे उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब आप उस लड़की से प्यार नहीं करते? नहीं। क्या यही बात आप उस लड़की के सामने कहेंगे? उसके सामने कहने से क्या होगा, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब यकीन कैसे दिलाऊं? बताओ। तो फिर मुझसे शादी कीजिए, और कल ही। कल? अभी जो हालात है वो बताइए, हाँ या ना? आप सिर्फ मेरी पसंद ही नहीं, आप तो मेरी जान है, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। प्लीज अब मुझे और मत रुलाइए, प्लीज। आई एम सॉरी विनी, तुम्हारे सामने मुझे किसी और लड़के ने किस किया ये देखने के बाद भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आई लव यू शोना। कल ही हमारी शादी होगी। ऋषि कौन है वैशाली? बोलो ना, उसी ने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर ने बताया। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप डैड से क्या बात करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऋषि के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। ऋषि को छोड़कर मैं आपके साथ नहीं आ सकती भैया, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारी लाडली बेटी विनीता पहली बार आकर ही मेरे पति है कह रही है, क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुम दोनों की शादी से मैं कोई परेशानी नहीं, लेकिन कल का कल शादी। माँ, ये फैसला फिक्स हो चुका है, कल ही हमारी शादी होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कल सोमवार की एकादशी है,
सुबह 8 बजे शिवालय पहुंच जाइएगा। आधी रात में ये डिस्कशन कैसा? शादी के लिए बहुत कुछ मिलाना पड़ता है, कुंडली मिलाना है, नाम को मिलाना है, मुहूर्त निकलना है। अपने आप में बात कर लोगे तो हो जाएगा क्या? कम से कम राय देने या पूछने के लिए काम नहीं आऊंगा? लड़का और लड़की राजी है तो इसकी क्या जरूरत है रे? और वैसे भी तुझे क्या तकलीफ है? समय आता है तो किसी के लिए नहीं रुकता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। विनीता, इतने दिन हमारे साथ संगीत साधना में, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, कम से कम एक मिनट के लिए तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ? मुझे तुमसे परेशान मत हो, फीलिंग्स के साथ पूछ रहा हूँ, फील करके कहो। छी, अरे इस वक्त क्या जोकर रहे हो? जोकर है, एक नंबर का जोकर। जोकर साला, कल सुबह मंदिर आ जाऊंगा। बाय विनी। भाई साहब, कल मंदिर आ जाना। हाय वैशो। अरे ऋषि भैया, ये ऋषि। हाय ऋषि। हाय। हेलो। तुम्हारे यहाँ तो बहुत हार्ड है, तुम सचमुच कॉलेज में पढ़ाते हो ना? वो क्या है ना, हिस्ट्री टीचर तो कलम चलाते हैं, नाजुक हाथ वाले होने चाहिए। तुम तो बड़े शार्प हो। नाइस मीटिंग ऋषि। सेम यार। देखो ऋषि, हम वैशु को चाहते हैं और वैशु तुम्हें चाहती है, इसलिए हमें तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल ऋषि, मैंने डैडी से बात कर लिया, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो हमें कल ही निकलना होगा। कल ही? हाँ कल ही। एनी प्रॉब्लम वैशु? प्लीज ऋषि, भैया ने ऑलरेडी डैड को कन्विंस किया है, डैड का मूड बदलने से पहले ही हमें पहुंचना होगा, प्लीज। आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, थैंक यू, तुम्हारे डैडी के लिए भी आऊंगा। उनको ज्यादा इंतजार करवाना मुझे भी पसंद नहीं है। लेक्चरर का नंबर लगा क्या बेटी? आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं ट्राई कर रही हूँ। गुरुजी, गुरुजी, वो नंबर सही है ना? मैं भी वही देख रहा हूँ, जाओ। विनीता, दामाद जी हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो तुम्हारे नंबर से ट्राई किया, तो बात करो। कहाँ है अभी तक? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है जजमान, दूल्हा कब आएगा? वहाँ कहाँ से आएगा, वो कब का इस शहर से भाग गया? ऐसा होगा, ये मुझे पहले से ही पता था, रात के रात मुहूर्त निकाल कर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। इस वक्त कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, हम आपको दिखाई नहीं देते ना, हिस्ट्री लेक्चरर, क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। अब हिस्ट्री यानी इतिहास बन गया, समझो मेरा भारत महान। आपने ऋषि को एक्सेप्ट कर लिया। एनीथिंग फॉर यू डियर। थैंक यू सो मच डैड, दैट्स ऋषि। वेलकम टू बैंकॉक ऋषि, तुमसे कब मिलूंगा मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं। रियली इंटरेस्टिंग। देखो ऋषि, मैंने वैशाली को प्यार से नहीं, डर से बड़ा किया है, इसलिए वो तुमसे प्यार कर बैठी। उसकी कोई गलती नहीं है, ये जनरेशन ही ऐसी है, घर में प्यार नहीं मिलता तो बाहर ढूंढते हैं, जैसे
बच्चों को गली के कुत्ते मिल जाते हैं वैसे तुम मिल गए हो, पर वैशाली को पता नहीं। ये पोमेलियन कुत्ता नहीं बल्कि मुझे पकड़ने के लिए आया हुआ पुलिस का कुत्ता है। क्या हुआ, फिल्म शो देख रही हो ऐसा लग रहा है क्या? ये तुम्हारे पीछे दुम हिलाने नहीं आया है बल्कि मुझसे मिलने आया है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हीरो बन गया ऐसा सोच रहा है? फ्रेंड्स तुम्हारे ही नहीं मेरे भी हैं, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का गुप्ता, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड, उसने ही तुम्हें क्लोज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी। अरे मैं तो तुझे वहीं पर खत्म कर देता, पर मेरी बेटी तेरे बगैर आ नहीं रही थी। ए, ये मुझे ससुराल ले जाने के लिए आया है बल्कि तुझे लेने के लिए नहीं आया है, बस प्यार 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 बोले जा रही है। तुझे बीपी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं है तो टैबलेट ले ले, हार्ट प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस बुला ले, क्योंकि मैं जो शॉक देने वाला हूँ उससे तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुझे जिंदा ले जाऊंगा ऐसा मैंने अपने डिपार्टमेंट से वादा किया है। तुम्हें पता है गुप्ता से फोन किसने करवाया? मैंने। वैशाली की मदद से तुमसे मिलना चाह, पर उसके प्यार का इस्तेमाल करके तुम्हें पकड़ना नहीं, इसलिए लिंगा को मारकर मैंने अपने आदमियों से वैशाली पर अटैक करवाया और इल्जाम शंकर पर डाला। मैंने सोचा तू आएगा, लेकिन बीच में यह आ गया। जब तक ये शंकर अन्ना से मिलकर आता मैंने उसे भी खत्म कर दिया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दिल्ली में हमारे लोगों से गलती हुई इसलिए वैशाली तुम तक पहुंची, और अब ये मुझसे प्यार करती है इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है। क्या है, गुप्ता तेरा फैन है पर जन्म से वो मेरा भक्त है। अरे गुप्ता, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बोला था, पुलिस का कुत्ता? पब्लिक को डराकर मौत का धंधा करने वाले तेरे जैसे को अगर इतना दिमाग है तो पब्लिक की रक्षा के लिए ट्रेनिंग दिए गए हम जैसे पुलिस अफसरों के पास कितना दिमाग होगा रे? बोला था ना, ये नॉर्मल आदमी बिल्कुल नहीं है, वाट लगा के रख दी हमारी। करेक्ट बोला, तुझे पता है तेरी कहानी का दी एंड क्या है? 5 मिनट के अंदर इंटरपोल पुलिस यहाँ आकर तुझे पकड़ लेगी, वो भी जिंदा। और तुझे पता भी है उन्हें यहाँ कौन लेकर आ रहा है? तेरा हार्ड कोर फैन गुप्ता। आर यू हैप्पी? क्या रे, ये 5 मिनट जी लेगा तू सोच रहा है? क्या उखाड़ने के लिए आया है तू? क्या कर लेगा मेरा तू? ये मेरा राज है, यहाँ मेरे आदमी है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। इसे हर पल तड़पना चाहिए, क्यों किट्टू से पंगा लिया, इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए मुझे, इसकी मौत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। पर भरोसा नहीं करता, अपने दम पर भरोसा करता हूं। आजा, हट कर दे इसको। आपके बाद बेटे को नौकरी मिले ऐसा होने के लिए ये कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या रे? हे हे उठ, हे हे
आज तक मैंने इसे कुत्ते की तरह पाला है और ये मुझे कुत्ते की मौत मरवाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब तक तो मैंने तुझे जिंदा पकड़ने का सोचा था, लेकिन अगर वैशाली को एक खरोंच भी आई तो पुलिस को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। मुझे जाने दे, नहीं तो इसे मार डालूंगा। छोड़ दे इसको, छोड़ दे। आया तो मार दूंगा इसे। छुरा तूने अपनी गर्दन पे रखा है तो नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ा, मार दूंगा इसे, मार दूंगा। सब लोग इसको खेल लो, कम ऑन, और इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की इतनी जल्दी मत करो। ये क्या यार, जल्दी ले जाएंगे तो गोली निकालेंगे, देर से ले जाएंगे तो टांग काट देंगे। अरे मगर हमको ये जिंदा चाहिए, जान बचनी चाहिए, टांग नहीं। हे, ले जाओ इस गद्दार को। ये विदेशी पुलिस भी लेट क्यों आती है रे? वैशाली, मैंने तुमसे काफी झूठ बोला और काफी सारी बातें छुपाई, पर वो मेरी ड्यूटी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, तुमसे काफी बातें करनी है। ये सच है बेटी, ऋषि ने कोई गलती नहीं की, उसने अपनी ड्यूटी की है। तुम्हारा क्या कहना? हाँ विनीता, अंकल जो भी कह रहे हैं वो एकदम सही है। ऋषि तुम्हारे ही साथ रहेगा, नो इश्यूज, नो कंप्लेंट्स। अब मैं हैप्पीली अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूंगी। विनीता, फिर से नया मुहूर्त निकाले, सब कुछ ओके है ना? कुछ भी ओके नहीं है, पहले तुम तय करो कि तुम्हें कहाँ सेटल होना। तुम्हारे साथ विनीता, दिल मेरा तेरा हुआ करूं भी तो क्या, मेरे दिल में चाहत तेरी जागे कैसे, छुपा ले मुझे तेरे आंचल में।